तो क्या हाल चाल है भाई लोग। आज क्या करेंगे कि इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे एक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे एक वेबसाइट बनाएंगे, जो भी मैं पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसको यूज करके एक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं एक वेबसाइट बना चुका हूँ, तो आपके लिए दिखा देता हूँ। तो ये जो आप मेरा जो बड़ा सा स्क्रीन है, इसको पहले छोटा कर देता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ दिखाई देगा। और मैं किससे बनाया हूँ वो वेबसाइट सब कुछ बताऊँगा। तो इतना छोटा कर देते हैं। ठीक है, बस आपको आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हो गया अब इतना। ठीक है, तो अभी ये देखो, अभी विजुअल स्टूडियो में ओपन कर चुका हूँ, और ये जो ये मेरा एक वेबसाइट बनाया हूँ, ठीक है, पहले से बनाया हूँ। ये वेबसाइट अभी मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ, इसको गो लाइव करके दिखा देता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो माई ऑनलाइन फूड मील। ठीक है, तो ये मेरा जो कि वेबसाइट है, ये डॉमी वेबसाइट मतलब एक फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, डॉमी मतलब ये फेक डिलीवरी वेबसाइट है, मतलब ये कुछ काम नहीं करता है, बट ये एक डिजाइन है बेसिकली। इसमें कुछ बैकएंड नहीं लिखा हूँ, कोई भी जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी नोड जेएस यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ। ठीक है, मैं जो भी बिफोर स्टूडियो सेलेक्टर, जो भी मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, मतलब पिछले वीडियो में जो भी मैं पढ़ाया था, उसको यूज करके हम क्या करेंगे कि एक अच्छा सा वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ओनली HTML है, CSS है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं है। तो ये वेबसाइट क्या करता है कि एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो ये अगर अगर मैं होम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो होम में आ रहा है, अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट आ रहा है, उसके बाद मैं सर्विस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सर्विस आ रहा है, ये देखो सर्विस यहाँ पर चला गया। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट अस आ जा रहा है, और नीचे और कोई चीज़ रहेगा तो आ जाएगा, अगर नीचे और कोई चीज़ रहेगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो, उसके बाद सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखा हूँ, मतलब होम में कुछ लिखा हूँ, सबमिट बटन में रखा हूँ, ऐसे करेंगे। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो ये देखो ये रेस्पॉन्सिव है ना, तो ये देखो ये सब कुछ छोटा हो चुका है अभी। ये कैसे हो रहा है, मतलब मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मतलब ये एक ट्रिक है, मैं सब कुछ ट्रिक बताता हूँ। मतलब ये जो वीडियो है, मतलब मैं जो कि ये जो कोड विद स्वराज है, इसमें क्या करता हूँ कि मैं ट्रिक बताता हूँ, मैं कौन सा ट्रिक यूज़ करता हूँ कि मतलब वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो भी इमेजेस है, तो वो उसको कहाँ से मिलेगा। आपका क्वेश्चन होगा कि ये इमेजेस हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, फ्री में मिल जाएगा आपको। एक वेबसाइट के बारे में, एक नहीं दो वेबसाइट के बारे में बोल रहा हूँ, एक मेरा फेवरेट है और सेकंड तो अच्छा है, बट मेरा फेवरेट एक वेबसाइट है। ठीक है, तो दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको न्यू टैब में दिखा देता हूँ आपको, देखो एक होता है कि पिक्सा बे, ये टॉप वन आता है कि मेरा जो पिक्सा बे डॉट कॉम एक होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाएगा। देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अगर ये इमेज मुझे चाहिए तो मुझे तो इमेजेस मिलेगा, उसके साथ साथ मैं जिस साइज़ का चाहता हूँ, मतलब मैं अगर मैं इस यहाँ पर फ्री डाउनलोड ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या वो बोल रहा है कि आपको ये साइज़ है, ये इमेजेस का साइज़ है। ठीक है, आप मतलब इमेजेस दो तीन इमेज डाउनलोड कर सकते हो सेम साइज़ का, क्योंकि सेम साइज़ का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम वेब डिजाइनिंग करते हैं उसको आइदर हम डाउनलोड करने के बाद फोटोशॉप में कुछ टच देते हैं, नहीं तो एक सेम साइज़ का इमेज डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोला था कि ये देखो यहाँ पर जो कि इमेजेस यूज हो रहा है, तो यहाँ पर सेम साइज़ का इमेज है। ठीक है, ये सेम साइज़ का इमेज है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपको सेम साइज़ का इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए मैं वेबसाइट बता दिया, एक pixabay.com एक होता है, और एक होता है कि onsplus.com होता है, onsplus.com एक होता है, onsplus अगर सर्च कर दोगे तो वो आ जाएगा, onsplus ब्यूटीफुल फ्री इमेज एंड पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप बहुत सारा, ये देखो बहुत सारे इमेजेस है, बट यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि साइजेस, मतलब साइज अगर साइजेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो कॉपी, ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ये देखो कुछ भी डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो ये मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर कहाँ पर अगर यूज होगा तो मैं डाउनलोड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ये मतलब बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है, यहाँ पर डाउनलोड स्पीड भी बहुत अच्छा है, ये इमेजेस है ना, तो डाउनलोड स्पीड को ही डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो और कुछ नहीं,
चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो भी इमेजेस डाउनलोड किया हूँ, मैं बेसिकली जो कि मेरा जो CSS पार्ट है, मैं एक्सटर्नली लिखा हूँ, क्योंकि एक जब वेबसाइट आप बनाओगे उसके अंदर बहुत सारा मार्कअप लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो उसको डिजाइन करने के लिए जो कि CSS स्टाइल शीट होगा, तो उसको सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि आप जितना कोड को ऑर्गेनाइज रखोगे तो क्या होगा कि आपके लिए बहुत इजी होगा उसके अंदर जाके करेक्शन करने के लिए, और बाद में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको करेक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सटर्नल CSS यूज किया हूँ, यहाँ पर दो किया हूँ, दो मतलब ये एक है या रेस्पॉन्सिव बना रहा हूँ ना, तो ये मीडिया क्वेरी फायर हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर मीडिया क्वेरी फायर हो रहा है, मतलब जो सेकंड है वो मीडिया क्वेरी फायर करने के लिए मैं लिखा हूँ ना, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि मीडिया क्वेरी फायर कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन एंड मैक्स स्वीट में सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो मैं ये जो सारे चीज़ प्रोग्राम को मैं फिर से आपको लिख के दिखाऊँगा, मतलब कैसे किया हूँ, ठीक है। बहुत ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि एक नया फाइल ओपन कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा इमेज मैं डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। तो उसको मैं विजुअल स्टूडियो पे मैं ओपन कर चुका हूँ, ये देखो ये सारे चीज़ को मैं इसको डाउनलोड किया हूँ, ये मेरा इमेजेस है। तो ये देखो मेरा जो कि YT नाम का एक फोल्डर है, YT नाम का फोल्डर के अंदर ये देखो ये IMG नाम का एक फोल्डर बनाया हूँ, इसके अंदर मैं ये सारे इमेजेस यूज किया हूँ, ठीक है। ये सारे इमेज देखो मैं वेबसाइट में इसको यूज किया हूँ ना, ये साइज सबका सेम है इसका, ये देखो साइज सबका सेम है ये तीनों इमेज। उसके बाद ये सर्विस के लिए और ये लोगो के लिए बनाया हूँ, ठीक है। ये लोगो और इसी प्राणी को तो आप जानते हो ये कौन है, ठीक है। और ये मैं सोचा कि इसको लोगो के लिए लेता हूँ, बट अब मुझे मेरा एक लोगो मिल गया था, मुझे ये देखो एक लोगो मिल गया था, ठीक है। तो इसको मैं लोगो के हिसाब से मैं ले लिया था इसको, इसका साइज भी ठीक है, छोटा सा है। तो अभी क्या करते हैं कि चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर बेसिकली मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ कि फूड मील, जैसे कि फूड दे दिया, फूड वेबसाइट, फूड ऐप दे रहा हूँ, FOOD फूड वेब दे देता हूँ, wwwweb.html, ठीक है। तो foodweb.html दे दिया, ठीक है। तो HTML, ठीक है। तो ये अभी HTML का भी फाइल बन चुका है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि देखो मैं CSS फाइल एक बनाऊँगा, food web 1, food web 2 ऐसे बनाऊँगा, क्योंकि मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ पाऊँगा कि बाद में ये समझ पाऊँगा कि ये मतलब फूड वेब का ही CSS है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहले मैं तीनों फाइल बना देता हूँ, तीनों नहीं दो फाइल बनाऊँगा, उसके बाद रेस्पॉन्सिव जब बन करूँगा उसके बाद तीसरा बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि एक CSS फाइल बना देता हूँ कि फूड FOOD फूड वेब WEB होता है, ठीक है। वेब डॉट फूड AB लिख दिया था, वेब डॉट CSS, ठीक है। एक CSS फाइल बन चुका है, ये देखो फूड वेब WAB हो गया था, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बट इसको रीनेम कर EB कर देता हूँ, EB वेब, ठीक है। अभी हो चुका है foodweb.html। जल्दी से मैं क्या करूँगा कि इसको लिंक करा दूँगा, जल्दी एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रहा हूँ, जो कि MATE हमको हेल्प करता है कि MATE एब्रिविएशन के मदद से हम क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंडियन बेस्ट फूड डिलीवरी सर्विस सेंटर, इंडिया कितना बड़ा नाम हो गया, इंडियन बेस्ट फूड फूड डिलीवरी डिलीवरी सर्विस बेस सर्विस सेंटर, ठीक है। तो सेंटर कैसे हो गया, मतलब CENTER, ठीक है। तो हो गया, तो ये हेडिंग हो गया, आपको हेडिंग दिखाई देगा। उसके बाद आपको पता है कि अगर आप एक्सटर्नल CSS लिखते हो तो उसको कैसे लिंक कराना है, आपको पता है, हेडर के अंदर उसको लिंक कराते हैं। आप ऐसे लिखोगे कि लिंक LINK, एक सीक्रेट बता दूँ, अगर आप LINK लिखोगे तो आपको MATE खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास आप CSS लिंक कराना चाहते हो कि और कुछ लिंक कराना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि CSS लिंक कराना चाहता हूँ, मैं CSS लिंक कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि CSS के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका फाइल का नाम दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे दूँगा, मेरा मेरा फाइल का नाम क्या था, तो
देखो मेरा था कि फूड FOD फूड डिलीवरी क्या था फूड वेब WWW फूड वेब डॉट फूड वेब दे देते हैं, CSS तो लिखा है ना पहले से, ठीक है, फूड वेब WEB है, ठीक है, WAB कर देता हूँ। तो ये हो गया, अभी मेरा अभी स्टाइल सेट अभी यहाँ पर हो चुका है, मतलब लिंक हो चुका है, अभी ये फाइल मेरा अभी लिंक हो चुका है, कंट्रोल एस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक मतलब अच्छी तरह से लिंक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बीजी कलर को कुछ दे रहा हूँ, तो देखते हैं कि जैसे कि बॉडी, तो बॉडी देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। बीजी कलर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो बीजी कलर दे रहा हूँ कि इसको ब्लैक कर देता हूँ, नहीं तो एक ब्लू कर देता हूँ। तो अगर ये लिंक हुआ, सक्सेसफुल लिंक हुआ है, तो वो मेरा जो कि बैकग्राउंड कलर वो लिंक मतलब ये हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखना मेरा सर्वर अब स्टार्ट हो रहा है, ये देखो लिंक हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ नहीं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि फूड मतलब ये सारे चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ये जो CSS2 है YT का, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये दोनों अभी फाइल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि पहले हम क्या करेंगे, नेविगेशन बनाएंगे, मैं सब कुछ सीक्रेट बताऊँगा, तो क्या मतलब कैसे वेबसाइट बनाएंगे, मतलब कैसे इजीली बना देंगे वेबसाइट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि नेविगेशन बनाएंगे। तो नेविगेशन कैसे बनाएंगे, तो बेसिकली मैं बॉडी को टोटली कंटेनर में ले लेता हूँ, टोटल जो कि बॉडी है उसको कंटेनर, नहीं तो मैं एक काम करूँगा, ये नाप बना दूंगा, नाप NAB नाप बना देता हूँ, ठीक है। ये नेविगेशन बार के लिए होता है, ठीक है। नाप बना दिया, नाप का कुछ आईडी होगा, जैसे कि नेविगेशन, इसका जो कि क्लास का नाम, इसे जो क्लास का नाम दे देता हूँ, नहीं तो इसको ये यूनिक होता है ना, इसको आईडी कर देते हैं, ठीक है, जो कि नाब है। तो मैं तो बहुत सारा नाब नहीं लिखूंगा, तो एक वेबसाइट में एक ही नाब बार होता है ना, तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो आईडी को मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि आईडी का नेविगेशन, NAVIGATION, नेविगेशन, ठीक है। ये नेविगेशन हो चुका है, इसका आईडी भी दे चुका। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दो चीज़ रखूँगा, एक होता है कि इमेजेस, एक होता है कि इमेज इमेज रखूँगा, मतलब वो एक लोगो है। उसके बाद और कुछ लिखूंगा, मतलब नेविगेशन रहेगा, मतलब होम, अबाउट, सर्विस, कंडक्टर्स, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि एक डिप बनाऊँगा, एक डिप बनाऊँगा, तो डिप उसका एक क्लास होगा, डिप डॉट मैं क्या करूँगा कि लोगो, डिप डॉट लोगो। तो ये एक लोगो हो गया, डिप डॉट लोगो, तो ये लोगो के लिए है, लोगो इसके अंदर रहेगा। उसके बाद मैं और एक डिप बनाऊँगा, ठीक है, मतलब कुछ नहीं, मैं नेविगेशन बार बना, नेविगेशन के अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसको लिख रहा हूँ। एक एक चीज़ लिख चुका हूँ कि लोगो रहेगा, उसके बाद और एक चीज़ रहेगा, वो है यूएल। यूएल के अंदर मैं डीप यूएल बना रहा हूँ, बेसिकली डीप नहीं बनाऊंगा, मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो कि यूएल है, यूएल टैग के अंदर यूएल डॉट ये है, मतलब क्या है, नाप लिख देता हूँ, NAB नाप, ये नाप, ये नाप लिख दिया, मतलब ये नेविगेशन के लिए है, ठीक है। तो यूएल डॉट नाप लिख दिया, ठीक है। तो नाप भर के अंदर मैं क्या करूँगा कि LI रखूँगा, इसके अंदर मैं LI रखूँगा, ठीक है, LI रखूँगा। तो मैं चार LI रखूँगा, इसके अंदर चार LI रखूँगा, और LI के अंदर मैं MAT यूज करूँगा, शॉर्टकट यूज करूँगा। आप कन्फ्यूज मत हो जा मतलब हो जाना, क्योंकि मैं MAT यूज कर रहा हूँ। LI के अंदर मैं चाहता हूँ कि LI का कुछ आईडी होगा, कुछ क्लास होगा, जैसे कि मैं आईडी देता हूँ कि लिस्ट, इसका जो आईडी है, आईडी आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो आईडी लिस्ट, LIST लिस्ट। आपको तो पता है जो कि लिस्ट जो हर आईडी यूनिक होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पाउंड साइन दे रहा हूँ, बेसिकली पाउंड साइन अगर दे दूँगा, सॉरी डॉलर साइन दे रहा हूँ, डॉलर साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि लिस्ट लिख देता हूँ, LIST लिस्ट, ठीक है। तो ये क्लास आईडी दे दिया, क्लास भी दे दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एंकर टैग आ जाएगा, बेसिकली एंकर टैग ए टैग आ जाएगा, बेसिकली इसके अंदर ए टैग आ जाएगा, ए टैग आ जाएगा, सॉरी कंट्रोल, अच्छा ए टैग क्यों नहीं आया, Ctrl Z, अच्छा ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए टैग आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ए टैग के अंदर मैं क्या करूँगा कि होम लिखूँगा, होम H, अच्छा मैं इसके अंदर होम लिख देता हूँ, होम होम HOME होम। इसके अंदर मैं HREF देना चाहता हूँ, बेसिकली HREF HREF सॉरी इसके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसके अंदर मैं HREF दे रहा हूँ, HREF की मदद से इसके मैं पाउंड साइन दे देता हूँ, मतलब हैशटैग दे रहा हूँ। आपको पता है हैशटैग देने से क्या होगा, अभी नहीं पता चलेगा जब मैं अभी सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आगे पता चल जाएगा कि मैं क्यों इसको दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक एस्ट्रिक साइन दे दूँगा, मुझे 4 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 4 चीज़ चाहिए, एक होम चाहिए, अबाउट चाहिए, एक होता है कि सर्विस चाहिए, कॉन्टैक्टर्स चाहिए, ये चारों चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे अभी 4 मिल चुका है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि अभी चेंज कर दूँगा उसके अंदर जो भी चीज़ है होम, उसके बाद ये अभी होम हो चुका है क्योंकि मैं रेप्लिकेट किया हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं होम अबाउट कर दूँगा, अबाउट ABOUT अबाउट, यहाँ पर सर्विस, यहाँ पर सर्विस SERVIC सर्विस, सर्विस हो गया, और एक हो गया कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट अस US हो गया, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट अस हो चुका है। अभी देखते हैं कि ये मतलब मैं लिख दिया हूँ, मतलब ये सच में काम करता है कि नहीं, देखते हैं। ये सेव, इसको सेव कर देता हूँ, और ये जो CSS है इसको भी सेव कर देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो जस्ट मैं इसको दिखता हूँ, ये देखो, बट ऐसे दिखाई दे रहा है, बट लोगो कहाँ है, मैं तो लोगो लिखा हूँ ना, तो लोगो के अंदर कुछ नहीं डाला हूँ, तो इसके अंदर कुछ इमेजेस डाल देता हूँ। तो IMG टैग यूज़ करूँगा, IMG के मदद से। तो इसके अंदर मैं एक लोगो देना चाहता हूँ जो कि IMG के अंदर है, IMG, क्योंकि मैं एक IMG फोल्डर यहाँ पर बनाया हूँ, इसके अंदर एक swaraj.jpg एक फोल्डर है, ये देखो ये इमेज है, ठीक है, तो इसको मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि IMG/ तो swaraj.sw लिख देता हूँ, swaraj.jpg हो गया। अगर ये इमेज लोड नहीं हो पाया, और बाई चांस वो लोड नहीं हो पाया, मतलब इमेजेस लोड नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इमेज लोडिंग प्रॉब्लम, इमेज लोडिंग LODING लोडिंग प्रॉब्लम PROBLE लिख सकते हो, और नहीं भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम लिख दिया मैं यहाँ पर, लोडिंग प्रॉब्लम। अगर बाई चांस मैं इसको डिलीट कर दूँगा इमेज को जाके उसका फोल्डर में, वाइट इमेज जाके इमेज में डिलीट बाद में कर दूँगा, तो क्या होगा कि गलती से तो यहाँ पर लोडिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, और ये आएगा, नहीं तो अल्टरनेटिव में ये आएगा, तो ये तो आएगा क्योंकि मैं डिलीट कभी भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कंट्रोल एस दबा देता हूँ, तो ये अभी इमेजेस आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर मुझे नेविगेशन आ चुका है, बट ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कि ये यहाँ पर लोगो आना चाहिए, उसके बाद ये साइड में आना चाहिए। अब बोलो, मैं जो भी पढ़ाया हूँ आप याद करो कि कैसे मैं मतलब एक चीज़ को, मतलब कैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, मतलब ये यहाँ पर इमेज आएगा, उसके बाद ये जो चीज़ है यहाँ पर आएगा, कैसे आएगा देखो। अगर मैं इसका डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूँगा, अगर मैं क्या करूँगा कि जो कि मैं बोलूँगा कि जो कि नेविगेशन है, नेविगेशन जो कि नैब है, नैब का डिस्प्ले को मैं कर दूँगा क्या, जो कि नेविगेशन है, ये देखो, क्योंकि ये जो नैब है इसके अंदर जो भी चीज़ है, जो कि नैब है ना, तो नैब के अंदर ये सारा चीज़ है ना, तो अगर ये कंटेनर है, इसके अंदर 2 चीज़ है, अगर इसको मैं फ्लेक्स कर दूँगा, इसका जो डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूँगा, तो फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, रो होता है, तो क्या होगा कि ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि डॉट, यहाँ पर डॉट लिख रहा हूँ कि क्योंकि ये कि ID है ना, सॉरी, इसको पाउंड साइन दे दिया, Ctrl+C Ctrl+V। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं बोलूँगा कि इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को क्या करना कि फ्लेक्स कर देना, डिस्प्ले अगर फ्लेक्स कर दूँगा तो क्या होगा कि एक डायरेक्शन में आ जाएगा। अभी इसको Ctrl+S कर दिया तो ये अभी आ चुका है, बट अभी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो डॉट डॉट जो कि डॉट डॉट आ रहा है, ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर बोलूँगा कि जो कि लिस्ट है, मैं बोलूँगा कि जो कि LI है, LI टैग के अंदर मैं बोलूँगा कि जो कि नाब है, डॉट नाब के अंदर जाना, डॉट नाब के अंदर जाना, उसके बाद LI है, डॉट नाब के अंदर जाना, उसके बाद जो कि LI है, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, नाब के अंदर जाना, ये डॉट नाब है, डॉट NAB नाब के अंदर जाना, उसके अंदर जो कि LI है, तो उसके अंदर जाना, LI के अंदर जाना। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका जो कि एक होता है कि लिस्ट स्टाइल होता है, एक होता है कि लिस्ट स्टाइल, इसको लिस्ट स्टाइल को क्या करना कि नॉन कर देना, ठीक है। लिस्ट स्टाइल को अगर मैं नॉन कर दूंगा तो क्या होगा कि जो डॉट जो बिंदु बिंदु आ रहा है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हट चुका है,
तो अभी भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है बट इतना भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अंडरलाइन आ चुका है, तो अंडरलाइन को कैसे हटाऊंगा, ये क्यों आ रहा है अंडरलाइन, ये आ रहा है मैं जो कि लिखा हूँ ना, जो कि एंकर टैग इसके अंदर यूज किया हूँ, क्योंकि एंकर टैग के अंदर है ना मेरा चीज़, ये देखो जो कि एंकर टैग में लिखा हूँ ना, तो ये ए टैग के अंदर है, ये लिस्ट के अंदर नहीं है, तो लिस्ट के अंदर जो एंकर टैग है उसके अंदर होम है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिस्ट के अंदर नहीं है इसलिए ये अंडरलाइन आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं बोल सकता हूँ कि नैब के अंदर जाना है, एलआई के अंदर जाना है, उसके बाद जो कि एंकर टैग है उसको टारगेट करना, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि सेम चीज़ लिखूँगा, डॉट नैब के अंदर जाना, डॉट नैब के अंदर जाना, उसके बाद एलआई के अंदर जाना, उसके बाद जो कि एंकर टैग है उसको पकड़ना, उसके अंदर जो कि टेक्स्ट डेकोरेशन एक होता है प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर मैं नॉन कर दूंगा तो क्या होगा कि उसका अंडरलाइन हट जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हट जाएगा। अगर मैं चाहूँगा तो उसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर सकता हूँ अगर हटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं हटा चुका हूँ क्योंकि मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, ये देखो अंडरलाइन भी चला गया है। अभी मैं क्या करूँगा कि अभी भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कि मैं चाहता हूँ कि जो होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्टर्स, ये सारे चीज़ एक लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ आपको बताएगी, मेरे पास एक सीक्रेट, एक मतलब सीक्रेट है आप बोल सकते हो भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो कि नेविगेशन है, जो कि नैब बार है, तो उसका इसका डिस्प्ले अगर फ्लेक्स कर दूंगा, मैं बोलूँगा कि जो कि नैब है उसका जो डिस्प्ले अगर फ्लेक्स कर दूंगा तो क्या होगा कि ये सारे ऐसे आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको देखो जो कि नेविगेशन है, मैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो कि नेविगेशन है, मैं ऊपर लिख देता हूँ कि जो कि डॉट नाप है, डॉट नाप के अंदर जाना, उसके अंदर जो कि उसका जो डिस्प्ले है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अगर डिस्प्ले इसको फ्लेक्स कर दूंगा, अगर इसका इसका जो डिस्प्ले है इसको फ्लेक्स कर दूंगा तो क्या होगा कि कंट्रोल से दबा रहा हूँ ये हो जाएगा। अभी अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ये देखो आ चुका है, बट इसमें कोई भी मार्जिन नहीं है, पैडिंग नहीं है। देखो मुझे हर मतलब हर बंदा ऐसे बोलता है कि ये काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आपका सीएसएस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो आप वेबसाइट बना पाओगे, ठीक है। एचटीएमएल के साथ साथ अगर सीएसएस का अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो आप एक बॉक्स को इधर उधर घुमा सकते हो, आप जैसे चाहोगे वैसे कर सकते हो। अगर आपका सीएसएस इतना मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो मतलब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसको जाकर अच्छी तरीके से पढ़ना जाके फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करूँगा कि यहाँ पर जो कि आ रहा है, तो वो जो कि कहाँ गया वो, अच्छा ये है, मैं इसको मैं हटा देता हूँ ये दोनों वेबसाइट को। तो अभी मैं क्या इसको रीलोड कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसका जो कि होम आ रहा था ना, तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है। मुझे फिर से ये करना पड़ेगा, लाइव सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये HTML में हूँ, मैं फिर से गो लाइव जा रहा हूँ, ठीक है। अभी लाइव आ चुका हूँ, इसमें क्या है कि कुछ भी नहीं है, मतलब मार्जिन नहीं है कि पैडिंग नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन टॉप से कुछ दे दूंगा, उसके बाद लेफ्ट से मतलब एक्स एक्स से थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा, उसके बाद टॉप से थोड़ा कम दूंगा। तो पहले अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं CSS में जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो कि टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पर मार्जिन देना चाहता हूँ, मार्जिन क्या करूँगा कि मार्जिन को मैं 2 पिक्सल देता हूँ, तो 3 पिक्सल देता हूँ, 3 पिक्स दे रहा हूँ, 3 पिक्सल, उसके बाद जो कि ये है मतलब क्या उसको बोलते हैं, 32 पिक्सल दे रहा हूँ, 32 px दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में थोड़ा ज़्यादा पिक्सल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट ये बहुत छोटा छोटा हो चुका है, इसको मैं फॉन्ट साइज को मैं अगर जल्दी सडनली बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको इसको रैम में बढ़ाऊंगा। रैम ईएम क्या होता है मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, जाके देख सकते हो आप, ठीक है। तो रैम ईएम में इसके अंदर यूज करूँगा, मैं बोलूँगा कि इसको 2 RAM कर देना, ठीक है, आप आपके कंप्यूटर के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को क्या करना कि FONT फॉन्ट साइज, ठीक है। तो फॉन्ट साइज को क्या करना कि 2 RAM कर देना, देखते हैं कि मैं 2 RAM कुछ कोई लॉकी नंबर नहीं है तो मैं से मेरे जो दिल में आया तो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो 2 RAM कर दिया, कंट्रोल एस, देखना कि ये फॉन्ट साइज काम करता है कि नहीं, तो बिल्कुल काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये अभी कुछ भी नहीं होगा, अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ये नेविगेशन बार है, बट ये नेविगेशन बार जैसा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका कोई बैकग्राउंड दे देता हूँ, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, कि ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड दे दूंगा,
इसको फाइट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको एक ब्लैक कलर का अगर बैकग्राउंड दे दूंगा तो ब्लैक ब्लैक मिल जाएगा। तो मैं क्या क्या करूँगा कि इसके जो फॉन्ट हो इसको मैं व्हाइट करने के साथ साथ इसको बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड को कैसे ब्लैक करूँगा ये एक बहुत ट्रिकी पार्ट है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दे के देखो। मैं कैसे, मैं एक ट्रिक यूज करूँगा उसके बाद हो जाएगा, मतलब कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं जो भी वेबसाइट बना रहा हूँ ना तो उसमें कोई भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मतलब इजीली हो जाएगा। देखना कैसे होगा। मैं क्या करूँगा कि ये सारे चीज़ नैप बार के अंदर है ना, तो इसके अंदर है ना, ये देखो सारा चीज़ इसके अंदर है ना, ये देखो नैप बार के अंदर है। तो अभी मैं बोलूँगा कि इसके अंदर एक बिफोर शेडो सिलेक्टर यूज करूँगा। तो बिफोर शेडो सिलेक्टर में बोलूँगा कि ये देखो इसको कंट्रोल सी कर दिया, इसको कंट्रोल सी कर दिया। तो अभी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर बिफोर शेडो सिलेक्टर यूज करूँगा, डॉट कंट्रोल भी कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बिफोर शेडो सिलेक्टर यूज करूँगा, बिफोर शेडो सिलेक्टर यूज करूँगा। तो अभी मैं बोलूँगा कि इसका जो बीजी कलर है, तो बीजी कलर मैं क्यों बिफोर शेडो सिलेक्टर यूज किया, क्योंकि क्यों मैं बैकग्राउंड कलर यूज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बैकग्राउंड कलर यूज करूँगा तो मैं ओपासिटी कम ज़्यादा करूँगा तो वो हर सबके ऊपर इफेक्ट डाल लेगा। मतलब बैकग्राउंड कलर तो ओपासिटी घट जाएगा, उसके साथ साथ मेरा जो कि चीज़ है उसके अंदर जो कि जो लिखा हुआ है, जो कि टेक्स्ट है, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसका जो ओपासिटी है वो घट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सेपरेट करना चाहता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड और मेरा जो टेक्स्ट है उसको सेपरेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीजी कलर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए मैं बिफोर शेडो सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीजी कलर कर रहा हूँ, तो बीजी कलर ठीक है। तो बीजी कलर बैकग्राउंड कलर में ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया, ठीक है। इसको मैं ओपासिटी कम ज़्यादा करके ठीक कर दूंगा। तो ये भी ब्लैक हो चुका है। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि इसका जो फॉन्ट साइज को, सॉरी फॉन्ट, इसका कलर है, ओनली कलर मतलब जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है। तो कलर को मैं क्या करूँगा कि वाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइट डले चाहे तो वाइट हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं का किसे दिखाई देता है, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे में बोल दिया बट ये कुछ काम नहीं कर रहा है। देखते हैं ये काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंटेंट नहीं दिया हूँ। पहले मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट देना पड़ेगा, सीवन कंटेंट, ठीक है। कंटेंट ऐसे लिख दिया बट इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूँगा, एक ट्रिक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद हाइट 100%, विड्थ 100% दे देता हूँ। इसका जो हाइट है, हाइट को क्या करना है कि 100% दे देना, 100%। उसके बाद जो विड्थ है, विड्थ को क्या करना कि 100% दे देना, 100%, ठीक है। तो हाइट विड्थ दे दिया। उसके बाद इसका कोई पोजीशन देना पड़ेगा, इसका जो पोजीशन है, पोजीशन को मैं क्या करूँगा कि इसका पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर दे दूंगा, अगर मैं इसको रिलेटिव कर सकता हूँ, नहीं तो एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कर देता हूँ, आपको पता है एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कर दिया। उसके साथ साथ मैं बोला कि टॉप से एब्सोल्यूट कर दिया, उसके बाद टॉप से 0 पिक्सल और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो टॉप से दे देता हूँ कि टॉप से 0 पिक्सल 0 px कर देता हूँ, और लेफ्ट से मतलब टॉप से और लेफ्ट से 0 पिक्सल कर देता हूँ, पिक्स आपको तो पता है, मैं मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये तो हो चुका है बट देखते हैं ये आया है कि नहीं, नहीं आया है क्योंकि ये देखो मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पर मैं विड्थ दे चुका हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इसको, इसका पोजीशन को भी मुझे ये करना पड़ेगा। ये देखो इसको रख देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसका जेड इंडेक्स को -1 कर रहा हूँ, जेड इंडेक्स क्या करूँगा कि -1 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पीछे चले जाएगा। ये क्यों आपको ये अभी भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मैं सब कुछ बताऊँगा, ये क्यों काम नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हो कि काम नहीं कर रहा है, ये अभी ये देखो मेरा हट चुका है, मतलब ये मेरा जो कि था ये जीरो जी जी जो जेड इंडेक्स है वो भी हो चुका है ऐसे, बट मेरा जो कि चीज़ से गायब हो चुका है, ये गायब हो चुका है बेसिकली, पता नहीं क्यों गायब हो चुका है। बट मैं काम सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मेरा CSS स्ट्रांग होगा तो मैं ठीक कर दूंगा इसको, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं जो कि नाप बार है उसका जो पोजिशन को मैं रिलेटिव कर दूंगा, ठीक है। मेरा जो कि नाप बार है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि नाप बार कहाँ पर है। इसका जो पोजीशन को मैं क्या करूँगा कि इसका जो पोजीशन है, पोजीशन को मैं क्या करूँगा कि रिलेटिव कर दूंगा, ठीक है। इसका अगर पोजीशन को मैं रिलेटिव कर दिया तो क्या होगा ये देखना। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि गायब क्यों हो चुका है ये कंटेंट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया 100%। अच्छा ये गायब क्यों हो चुका है बेसिकली, मैं कुछ गलती किया हूँ कि
ये दिखाई नहीं दे रहा है बेसिकली। तो ये तो नाब है, नाब के अंदर ये सारा चीज़ है। तो कुछ तो गलती किया हूँ मैं। तो कलर वाइट, अच्छा कलर वाइट है, एल आई के अंदर जाना इसका कलर। अच्छा, ये कुछ नहीं गायब नहीं हुआ है, मतलब इसका कलर वाइट कर दिया, अभी बैकग्राउंड अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए इसका कलर ये देखो, अगर मैं इसको कलर को और कुछ कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखो अभी वाइट के, ये देखो हो रहा है, ये मतलब गायब नहीं हुआ है। इसको वाइट कर देता हूँ फिर से कलर को, अच्छा कुछ बाद में वाइट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये तो हो गया बिफोर शेड्यूल सेलेक्टर की मदद से, मैं बैकग्राउंड कलर दे दिया, कंटेंट कुछ लिख रहा हूँ कंटेंट, और इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख दूंगा, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ। तो ये आपको अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं सेव नहीं किया हूँ कि अच्छा नेविगेशन के मतलब जो नेविगेशन है उसके पीछे लगा दिया, मतलब बिफोर शेड्यूल सेलेक्टर मदद से डॉट नेविगेशन, डॉट नेविगेशन तो ठीक है ना। तो कंटेंट दे दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, हाइट विड्थ तो सेट कर दिया, उसके बाद पोजिशन, अच्छा इसको हटा देता हूँ टॉप, कंट्रोल एस। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, अच्छा फिर से लिखता हूँ फिर से, तो अच्छा फिर से लिख के दिखा देता हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। तो मैं जो कि नेविगेशन है तो देखता हूँ कि नेविगेशन ठीक है कि नहीं। तो नेविगेशन, नेविगेशन तो ठीक है, तो नेविगेशन, नेविगेशन बिफोर शेडो शेडो सिलेक्टर इसके अंदर यूज़ किया हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट डालना हूँ, सी ओ एन कॉन्टेंट। तो कंटेंट क्या करूँगा कि सी ओ एन टेन ई, ठीक है, कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं डालूंगा। अगर इसके अंदर कुछ भी डाल दिया, अगर इसके अंदर कुछ डाल दिया तो क्या होगा कि आपको दिखाई देगा, उसके पहले दिखाई देगा। तो यहाँ पर दिखाई देना चाहिए इसको। अच्छा मैं फिर से सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा बिफोर शेड्यूल सेलेक्टर काम क्यों नहीं, अच्छा, मैं सी एस एस में था, मैं लाइव में चला गया, ठीक है। तो अभी एच टी एम एल में लाइव में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई तो देना चाहिए क्या नैप बार, नहीं तो एक काम करूँगा कि लिस्ट के पीछे लगा देता हूँ, जो कि लिस्ट के पीछे अगर लगा दूंगा तो हो जाएगा। बिफोर ठीक है, तो एक काम करता हूँ कि नेविगेशन का पीछे नहीं, लिस्ट के पीछे लगा देता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट के पीछे लगा देता हूँ, लिस्ट का नाप था ना डॉट नाप, ठीक है डॉट नाप कर देता हूँ, ठीक है। डॉट डॉट नाप करके अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा कि मुझे दिखाई देगा, ये देखो अभी दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं देखो, मेरा प्रॉब्लम आया उसको मैं सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका सी एस एस मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालूंगा। तो अभी मैं बोलूँगा कि मेरा जो कि चीज़ है, मेरा जो इसका जो इसके अंदर इसका जो पोजीशन है, पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा, पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा, एब्सोल्यूट पोजीशन का एब्सोल्यूट करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि हाइट विड्थ को, सर जो हाइट है तो हाइट को क्या करूँगा कि हाइट को 100% कर दूंगा, 100% कर दे दूंगा। उसके बाद इसका जो विड्थ है, विड्थ भी 100% हो जाएगा, विड्थ को 100% कर देता हूँ, ठीक है। ये किस मतलब हाइट 100% मतलब क्या है, मतलब किसका 100% है, मतलब किस किसका 100% ले लेगा, किसका विड्थ 100% लेगा, ये लेगा जिसका पोजीशन रिलेटिव होगा उसका ले लेगा। देखो जिसका मैं जिसका पोजीशन रिलेटिव होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ये जिसके अंदर है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दिया कि मेरा जो कि नेविगेशन है, नेविगेशन है तो इसका पोजीशन को रिलेटिव कर दिया, हाइट विड्थ तो सेट भी कर चुका हूँ, और टॉप ये यहाँ पर लिख दिया जो टॉप से 0 पिक्सल 0 px कर दिया, और उसके बाद बॉटम से बॉटम सॉरी बॉटम नहीं लेफ्ट से, तो लेफ्ट से क्या होगा कि 0 पिक्सल 0 px कर देता हूँ, ठीक है। अभी टॉप से लेफ्ट से भी, क्योंकि ये पोजीशन एब्सोल्यूट है ना, तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये अभी देखते हैं कि अच्छा अभी भी काम, अच्छा बीजी कलर नहीं दिया हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर बीजी कलर देना पड़ेगा। तो बीजी कलर क्या करूँगा कि बीजी कलर, तो बीजी कलर में दे देता हूँ कि ब्लैक दे देता हूँ बीजी कलर को, ब्लैक तो ब्लैक दे दिया। तो अभी देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, काम कर जाना चाहिए, ये काम कर चुका है, बट एक प्रॉब्लम आ चुका है कि ये इसका
ये ऊपर ढक चुका है इसका, ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, तो इसको भी हम ठीक करेंगे, ठीक है, कैसे ठीक करेंगे, तो इसका जो जेड इंडेक्स है, इसका आपको पता है एक चीज़, अगर पोजीशनिंग में होता है कि जी इंडेक्स होता है, वो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में बोला था एक वीडियो में, याद करो, जेड इंडेक्स के बारे में उसके उसी टाइम में बोला था, ठीक है, तो चेक करो जाके, तो जेड इंडेक्स अगर मैं कम कर दूँ तो क्या होगा कि वो नीचे चले जाएगा, ठीक है, तो जी इंडेक्स होता है, जी इंडेक्स होता है, जेड इंडेक्स को मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर -1 कर दिया, ठीक है, तो जी इंडेक्स को अगर मैं -1 कर दूंगा तो वो पीछे चला जाएगा, ये देखो अभी पीछे चला गया है, बट ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका जो अभी इसका ओपासिटी को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसका जो ओपासिटी है, ओपासिटी को मैं 0.3 कर देता हूँ, देखते हैं कि कैसे दिखाई देता है, नहीं तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, ओपासिटी तो अच्छा है, बट मैं ओपासिटी से इसको ओपासिटी से करना चाहता हूँ, अगर नहीं तो मैं कलर से भी कर सकता हूँ, इसे जो कलर है कलर को ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, बट ये और ज़्यादा वाइट हो जाएगा अभी, ये देखो हुआ वाइट हो चुका है, तो चलेगा इतना, बट मैं ओपासिटी को थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ सर, ही यहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है, ओपासिटी को 0.35 कर देता हूँ, 6 कर देगा, ठीक है, 6 करने से ठीक है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट इसका जो कलर है इसको मुझे वाइट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका जो कलर है इसका जो वाइट करना पड़ेगा, किसका कलर, जो कि LI के अंदर जो है, तो इसको मैं मुझे फाइट करना पड़ेगा, फाइट फाइट कर देता हूँ यहाँ पर फाइट, ये देखो फाइट हो चुका है अभी, ठीक है, तो ये फाइट हो चुका है अभी, इसे जो टेस्ट कलर है वो फाइट हो चुका है अभी, देखो, तो अभी इसका कुछ कोई मार्जिन पैडिंग चाहिए शायद इसको, तो मैं चाहता हूँ कि टॉप से थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये टॉप से मैं चाहता हूँ कि 3 पिक्सल दिया हूँ ना, इसको मैं इंस्पेक्ट करके और थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ये, इसको मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ कि टॉप से, अच्छा मार्जिन जो दिया हूँ ना, ये 3 पिक्सल दिया हूँ ना, अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये वाई एक्सिस के मतलब ये नीचे आ जाना चाहिए, नहीं तो ये अभी नहीं आ रहा है, तो ठीक है, इसको एक काम करता हूँ कि 3 रैम करने से क्या होगा देखते हैं, 3 रैम करूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, एक काम करता हूँ कि देखते हैं कि इसको 3 रैम करके, 3 रैम में मैं बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज को मैं बढ़ा के दिखाता हूँ, दिखता हूँ कि इसको 3 रैम कर देता हूँ कंट्रोल एस, देखता हूँ कैसे दिखाई देता है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, 3 रैम बहुत अच्छा है क्योंकि मैं इस यहाँ पर कोई सर्च बार तो नहीं लिखूंगा ना, तो 3 रैम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो 3 रैम दे देते हैं क्योंकि ऊपर से जितना है और नीचे से भी मतलब बराबर हो चुका है अभी, ठीक है, तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो क्यों अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई सर्च बार नहीं लगाऊंगा तो इसलिए ये टोटल ले जाएगा तो अच्छा है, तो अभी मैं एक प्रॉब्लम आ चुका है कि ये जो इमेज है, तो यहाँ पर मैं इमेज को भी सेंटर करना चाहता हूँ, तो इमेज इसका सेंटर में आ जाना चाहिए, उसके बाद ये सारा चीज़ सेंटर में आ जाना चाहिए, ठीक है, तो इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, देखो, तो मैं चाहता हूँ कि जो इमेज है, तो इमेज को थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ, देखो जो कि IMG के लिए कुछ ये लिखूंगा ना, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो कि IMG है, बेसिकली ये लोगो के लिए डिजाइन करूँगा, जो लोगो है तो यहाँ पर मुझे एक लिखना पड़ेगा क्योंकि लोगो है, डॉट LOGO लोगो है, लोगो के अंदर जाना, पहले तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर देखो डॉट लोगो एक है LOGO, ठीक है, डॉट लोगो के अंदर जाना, इसका जो कि बॉर्डर रेडियस को क्या करूँगा कि बॉर्डर रेडियस को एक बड़ा सा नंबर दे देता हूँ, जैसे कि 30 दे देता हूँ, 30 px दे रहा हूँ, देखते हैं कैसे काम करता है, कि ये देखो अभी सेव नहीं किया हूँ शायद, बॉर्डर रेडियस नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, बॉर्डर ओनली लिखा हूँ ना, तो इसलिए, तो बॉर्डर रेडियस को क्या करूँगा कि 30 px कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा कि ये बॉर्डर रेडियस तो चेंज हो जाना चाहिए, बॉर्डर रेडियस को 30 px कर चुका हूँ अभी, तो डॉट लोगो है, लोगो मतलब ये आईडी है कि क्लास है, कि ये क्लास है कि आईडी है, तो ये क्लास है बट LOGO लोगो है, ठीक है, तो लोगो को क्या करना है कि तो ऐसे लिखना चाहिए कि जो कि नाप बार के अंदर लोगो, नहीं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डॉट, मैं IMG टैग को डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूँ, मुझे लोगो को कोई ज़रूरत नहीं है, तो लोगो अभी अच्छा, वो क्या हो रहा है कि अभी लोगो चेंज हो रहा है, मतलब लोगो का अभी रेडियस चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि लोगो के अंदर जो IMG है उसका उसका वो चेंज हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ डॉट लोगो के अंदर जो कि IMG टैग है तो उसको उसको टारगेट करना, तो ऐसे कर सकता हूँ कि
इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि डॉट लोगो के अंदर जाना जो कि img है, तो img को पकड़ना, ठीक है। तो अभी img को टारगेट करेगा, अभी ठीक हो जाएगा मेरा प्रॉब्लम। ये देखो अभी हो चुका है 30 पिक्सल, और इसको बढ़ाते हैं, चलो इंस्पेक्ट करके बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको मैं और बढ़ाता हूँ, मैं कोई डिजाइन नहीं कर रहा, बस कैसे सीक्रेट बता रहा हूँ, मतलब कैसे क्या करना है। ये देखो हो चुका है, इतना मुड़ सकता है, 61 पिक्स कर रहा हूँ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है 61 पिक्स पे। और नहीं मतलब राउंड हो सकता है, ठीक है सर, 61 पिक्सल कर देता हूँ इसको, 61 कर देता हूँ, 60 पी एक्स कर देता हूँ, 60 पी एक्स में देखते हैं। अब हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर लोगो भी आ चुका है अभी। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इसका कोई मार्जिन पैडिंग भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्जिन दे दूँगा तो बाहर से आ जाएगा, बाहर से ये जो लोगो है उसका कोई मार्जिन पैडिंग दे देता हूँ। तो मार्जिन मार्जिन पैडिंग को क्या करूँगा कि मार्जिन टॉप से मैं देना चाहता हूँ कि 2 पिक्सल, 2 पिक्सल कुछ भी दे देता हूँ, 2 पिक्सल दे दिया, मार्जिन 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, और ऊपर से 2 पिक्सल दे दिया, 1 पिक्सल दे देता हूँ, साइड से 1 पिक्स कर रहा हूँ, 1 पिक्स, ठीक है। तो 1 पिक्सल, 1 पी एक्स, ठीक है। तो अभी मार्जिन में हो चुका है, मार्जिन में हो चुका है, अभी ये देखते हैं कि मार्जिन काम करता है कि नहीं। अभी ये जो लोगो है आ चुका है, अभी ये 2 पिक्सल, ये देखो ऊपर से आ जाएगा, ये देखो ऊपर से और साइड से। यहाँ पर मैं पैडिंग देना चाहता हूँ बेसिकली, ये देखो अभी आ चुका है, यहाँ पर अभी लोगो आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो वाइट वाइट आ रहा है इसको भी मैं रिसेट करूँगा, मेरा जो कि ये आ रहा है इसको भी ठीक करूँगा, ठीक है। तो अभी ठीक हो चुका है, 5 पिक्सल और 7 पिक्सल दे दिया, 5 पिक्सल 7 पिक्सल दे दिया, ठीक है। तो 5 पिक्सल 7 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पर 5 पिक्सल, उसके साथ साथ इसको 7 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। 5 पिक्सल 7 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि टोटल मार्जिन रिसेट करूँगा, टोटल आपको तो पता है, एक एक्सट्री सिंबल दे दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा कि ऑल के लिए मार्जिन पैडिंग को रिसेट करना चाहता हूँ, जो कि मार्जिन है, मार्जिन को क्या करना कि 0 पिक्सल, उसके साथ साथ क्या करना कि जो कि पैडिंग है, पैडिंग को क्या करना कि 0 पिक्सल, 0 पिक्सल करता है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग रिसेट करने से क्या होगा कि ये टोटल ऐसे दीवार से चिपक गया है, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा कि टॉप से देता हूँ कि अच्छा ये अभी ऊपर क्यों चला गया है, इसको भी मैं ठीक करूँगा अभी। अच्छा इसको मुझे थोड़ा नीचे लाना है ये जो चीज़ है, तो इसका अच्छा एक काम करता हूँ, इसका डिस्प्ले को मैं रिलेटिव कर देता हूँ। डिस्प्ले रिलेटिव करने से एक मुझे एक, अगर इसका डिस्प्ले रिलेटिव कर दूँगा तो क्या होगा कि इसको मैं ऐसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। इसे अगर डिस्प्ले को एक काम कर सकता हूँ कि इसका डिस्प्ले को मैं क्या करूँगा कि रिलेटिव कर दूँगा। तो डिस्प्ले को रिलेटिव करने से क्या होगा आपको तो पता है, डिस्प्ले को क्या करूँगा रिलेटिव कर दूँगा। तो आर डिस्प्ले, सॉरी पोजीशन को रिलेटिव करना पड़ेगा, डिस्प्ले नहीं, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन, पी ओ पोजीशन को मैं क्या करूँगा कि रिलेटिव कर दूँगा, पोजीशन और रिलेटिव कर दूँगा। तो क्या होगा कि मैं बोल सकता हूँ कि टॉप से क्या करना है कि कुछ दे देना, जैसे कि 3 पिक्सल पिक्स कर देता हूँ, ऐसे गेस करके दे दिया, ठीक है, कुछ नहीं है। तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो टॉप से अभी नीचे आ रहा है, और थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व अभी हो चुका है, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ पर मेरे पास से कंट्रोल आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं इसको 2 रैम, 1 2 रैम कर देता हूँ, अभी 3 रैम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 3 रैम, 2 रैम कर देता हूँ, 2 रैम करके बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, अच्छा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, 17 पिक्सल अभी था, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, अब अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 27 पिक्सल, ये अभी सेंटर में है ना, तो अभी ये सेंटर में है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर स्क्रैच में अगर वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास बहुत सारा कंट्रोल होता है, ठीक है, आपका हाथ में बहुत सारा कंट्रोल होता है, आप कुछ भी कर सकते हो वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और कहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर सेंटर में कुछ चीज़ नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। आप जितने भी मुड़ सकते हो, तैर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो 29 पिक्सल मैं सारे चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे भी आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो ये देखो मैं सारा चीज़ को ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ कॉपी,
उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ कि यूएल के अंदर एल, ये देखो सारा चीज़ को मैं कंट्रोल कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट हो चुका है, ठीक है, मुझे लिखना भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो अभी ये मेरा सारा चीज़ हो चुका है, अभी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी ये हो चुका है, बट जब वेबसाइट बनता है बहुत सारा कचरा फैल जाता है, उसके बाद जब वेबसाइट ख़त्म होता है तो अभी वेबसाइट अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। जब वेबसाइट बनता है तब बहुत सारा कचरा ऐसे फैलता है, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अभी ये नेविगेशन बार बन चुका है, अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक बैकग्राउंड दे दूँगा, मैं चाहूँगा कि इसका जो कि अच्छा एक काम करूँगा, एक सेक्शन टैग बनाऊँगा। अभी सेक्शन टैग के अंदर मैं क्या करूँगा कि ये होम रहेगा, ठीक है, ये होम होगा, ये तो नेविगेशन बार बन चुका है ना, यहाँ पर होम होगा। होम के अंदर मैं चाहता हूँ कि क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि देखो ये देखो यहाँ पर ये तो नेविगेशन, ये देखो नेविगेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर अभी सेक्शन टैग अभी बनाऊंगा, सेक्शन सेक्शन टैग, ठीक है। सेक्शन टैग का कुछ आईडी दे रहा हूँ, जैसे कि SSC दे रहा हूँ, जैसे कि इसका कोई आईडी है क्योंकि ये यूनिक है ना, तो आईडी इसका दे रहा हूँ कि SSC 1 दे दिया, ठीक है, आईडी कुछ भी दे सकते हो, SSC 1 दे दिया। तो ये सेक्शन है, तो सेक्शन के अंदर एक H1 टैग रहेगा क्योंकि हेडिंग रखना चाहता हूँ। तो सेक्शन टैग जब स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर एक हेडिंग होगा, सेक्शन टैग के अंदर मैं एक चीज़ रखना चाहता हूँ, तो एक हेडिंग रखूँगा, उसके बाद सेक्शन टैग ऐसे रहेगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग रहेगा कि वेलकम रहेगा, उसके बाद कुछ दो पैराग्राफ ऐसे होगा, सबमिट बटन होगा, ऐसे सब कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक हेड H1 टैग लिख देता हूँ, H1, ठीक है, H1 टैग लिख देता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा कि वेलकम, नहीं तो होम लिख देता हूँ, होम HOME, होम, ठीक है, होम लिख दिया। तो अभी इसके अंदर ये तो अभी होम हो चुका है, तो यहाँ पर पैराग्राफ डाल देता हूँ, तो होम का होम HS लिख देता हूँ। अच्छा मैं अगर डिजाइन करूँगा तो बाद में करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर पैराग्राफ डाल रहा हूँ, तो पी डॉट पारा कर दिया, तो अभी ये पैराग्राफ हो चुका है, ठीक है, पी डॉट पारा, तो मल्टीप्लाई मैं एस्टरिस्क दे दिया, मुझे दो पैराग्राफ चाहिए, दो पैराग्राफ चाहिए। यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि एक लॉरेम होगा, एल लॉरेम, लॉरेम लिख देता हूँ कि एक होता है कि 30 कर देता हूँ, 30 लॉरेम 30, उसके बाद इसको लॉरेम 20, मैं इसको ठीक कर दूंगा, लॉरेम 20 कर देता हूँ, लॉरेम LOREM लॉरेम 20, ठीक है। तो लॉरेम 30 लॉरेम 20 हो चुका है। अभी इसको इसका वायर रैप को टॉगल कर देता हूँ, ठीक है, इसका वायर रैप को टॉगल कर देता हूँ, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी एक बॉटम लगाऊंगा, तो एक बॉटम टैग होता है, बॉटम एक होता है कि बॉटम टैग, बॉटम टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ कि BTN लिख देता हूँ, इसका जो क्लास है, इसका जो क्लास दे देता हूँ कि डॉट क्लास, डॉट BTN लिख देता हूँ, BTN। तो बॉटम का कुछ क्लास, अच्छा मैं काम करता हूँ, इसका क्लास कर देता हूँ, इसको क्लास एक काम करता हूँ कि क्लास कर देता हूँ इसको, क्लास CL, ये देखो क्लास, क्लास को मैं BTN दे देता हूँ, अगर कोई डिजाइन करूँगा तो इसके अंदर कुछ डिजाइन करूँगा तो BTN। तो इसके अंदर क्या करूँगा कि बॉटम कर देता हूँ इसको, ठीक है, बॉटम BUTT, नहीं तो एक सबमिट कर देता हूँ, सबमिट SUBMIT, ठीक है। तो सबमिट कर दिया, अभी हो चुका है, अभी बॉटम आ चुका है, पैराग्राफ आ चुका है, और ये सारा चीज़ आ चुका है, बट ये डिस्प्ले मतलब ये ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो नीचे नीचे आ जाएगा, नहीं तो और नहीं आएगा तो मैं इसको ले लूँगा नीचे, ठीक है। तो अभी हो चुका है, तो अभी एक H1 टैग है और ये दोनों पैराग्राफ है, ठीक है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि सेंटर में लेने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सेंटर में ले सकता हूँ, अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, अगर मैं बोलूँगा कि इसका जो इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, और टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर कर दूंगा तो क्या होगा कि सेंटर में अभी आ जाएगा, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये अभी देखना सेंटर में आ चुका है, बट अभी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये ज़्यादा मतलब हो गया है, मतलब वार्ड हो गया है ज़्यादा, तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, तो मैं मार्कअप में जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी इसको कट कर रहा हूँ, इतना कट कर देता हूँ, तो यहाँ से भी और इतना कट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि भी शेप का लाना चाहता हूँ कि एक स्टाइल हो जाएगा ना, एक भी शेप का आएगा, ठीक है। तो
तो अभी देखो ये भी शेप का आ रहा है, ये देखो। तो अभी मैं इसका कुछ मार्जिन पैडिंग कुछ भी नहीं है, तो मार्जिन पैडिंग भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो कि पैराग्राफ है उसका कोई मार्जिन पैडिंग भी नहीं है। तो सब कुछ करूँगा मैं, अभी पहले इसका मार्जिन दे देता हूँ जो कि पैराग्राफ है। पैराग्राफ का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पैराग्राफ का पारा है, ठीक है, इसका जो क्लास है ये पारा है और H1 टैग है। तो मैं बोलूँगा कि SSC के अंदर जो कि H1 टैग है, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि SSC1 का पहले यहाँ पर दे रहा हूँ कि जो कि SSC है, जो कि हैशटैग SSC, ये पाउंड साइन हैशटैग नहीं। तो SSC1 के अंदर जाना, उसके बाद उसके अंदर जो कि H1 टैग है जो है, तो H1 टैग के अंदर जाना, उसके बाद उसका जो कि मार्जिन दे देना, मार्जिन टॉप दे देना। मार्जिन टॉप से मैं देना चाहता हूँ कि मार्जिन टॉप नहीं, मैं हर तरफ से देना चाहता हूँ बेसिकली, टॉप हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ कि 6 पिक्सल 6 px कर देता हूँ, ठीक है, ये हर तरफ से मार्जिन इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि पारा, एक पारा लिख रहा हूँ। तो ये किसके अंदर है, मतलब सेक्शन टैग के अंदर है ना। तो इसको मैं सेव करके देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं, कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये हेडिंग के, ये भी पैराग्राफ आ चुका है अभी, तो ये भी मार्जिन आ चुका है हर तरफ से, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि पैराग्राफ है उसके अंदर भी मैं चाहता हूँ कि दो पैराग्राफ के अंदर भी स्पेस आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि जो कि हैशटैग फिर बोल रहा हूँ SSC, ये पाउंड साइन है, ठीक है। SSC1 के अंदर जाना, उसके बाद जो कि पारा है, .para, ठीक है। तो डॉट पारा को टारगेट करना, क्योंकि ये पारा इसके अंदर ही है, ठीक है, इसके अंदर ही है, इसके अंदर पारा है, ठीक है। ये दोनों आईडी सेम, दोनों क्लास सेम है, ठीक है। ये दोनों जो पैराग्राफ है उसका क्लास सेम है, ठीक है। तो दोनों को मैं क्या करूँगा कि मार्जिन दे दूँगा, ठीक है। मार्जिन कैसे देते हैं, ये देखो, अगर मैं मार्जिन 6 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, मार्जिन 6 पिक्सल px कर देता हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसका भी मार्जिन अभी आ चुका है, ठीक है, ये देखो अभी मार्जिन आ चुका है। अभी मैं क्या करूँगा कि इंस्पेक्ट करके सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो मैं देखता हूँ कि मार्जिन आ रहा है कि नहीं, ये देखो मार्जिन 6 पिक्सल है। तो मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ, ये देखो बढ़ रहा है, ये देखो मार्जिन भी आ चुका है। पैडिंग नहीं चाहिए मुझे, मार्जिन से काम चला रहता हूँ, ठीक है। तो ये अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अभी आ चुका है ऐसे। तो इसको मैं इतना सही है, और मार्जिन भी नहीं चाहिए मुझे बस, ठीक है। तो 6 पिक्सल नहीं तो 7 पिक्सल दे देता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं मार्जिन दे दूँगा तो क्या होगा कि हर तरफ से मार्जिन हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ जाए, नीचे आ जा रहा है, और मैं चाहूँगा तो ये टॉप से दे सकता हूँ, बट चलेगा ये, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि सबमिट जो है, सबमिट को कुछ मैं दे रहा हूँ, डॉट सबमिट जो है, तो सबमिट लिख देता हूँ यहाँ पर। सबमिट एक होता है कि सबमिट के अंदर जाना, क्योंकि ये टैग है ना। तो ये तो एक काम करना, बॉटम एक है ना, बॉटम, अच्छा BTN, इसका कुछ क्लास था ना, सॉरी से इसका कुछ क्लास था, मैं कुछ क्लास लिखा था जो कि बॉटम बनाया था, अच्छा ठीक है, BTN है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि .btn को क्या करना, कि मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो कि .btn है, ठीक है, .btn के अंदर जाना, उसके बाद इसका जो कि बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर को मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देना, नहीं तो मैं बैकग्राउंड कलर कुछ और कुछ दे रहा हूँ, जैसे कि चॉकलेट दे रहा हूँ, नहीं तो टोमेटो दे रहा हूँ, टमाटो ही कलर है, ठीक है। तो टमाटो दे दिया, उसके बाद इसका जो कि कलर है, कलर को वाइट कर देता हूँ, ठीक है। कलर मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो कि टेक्स्ट कलर है, ठीक है, जो कि कलर को मैं क्या करूँगा कि वाइट कर देता हूँ, ठीक है, WH white। अभी कलर वाइट हो चुका है ये अभी, अच्छा ये तो अच्छा, एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, ठीक है, बॉर्डर दे के देखता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल और 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, अभी रेड हो चुका है। अब देखते हैं कैसे दिखाई देता है, अच्छा ठीक है, बॉर्डर को हटाता हूँ, ठीक है, बॉर्डर हटा देता हूँ, अभी अच्छा दिखाई देगा, ये देखना, इसको सेव नहीं किया हूँ, अब सेव कर चुका हूँ, ये देखो
अब अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, और बॉर्डर रेडियस हो जाएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉर्डर वी ओ, अच्छा ठीक है, बॉर्डर रेडियस को मैं 11 3 पिक्सल दे रहा हूँ, 3 PX देख के देखता हूँ कैसे दिखाई देता है। बॉर्डर रेडियस दे दिया तो ये अब अभी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैं समिट को और थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, 2M कर दूंगा तो 1 RAM कर देता हूँ, 1 RAM कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो फॉन्ट साइज़ को F1 फॉन्ट साइज़ को देखो, इसका जो फॉन्ट साइज 1 RAM कर दूंगा तो क्या होगा कि ये देखना, ये अभी देखना है कि ये अभी हो चुका है। इसके अंदर कुछ पैडिंग चाहिए, पैडिंग, तो पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, पैडिंग अगर दे दूंगा तो 3 PX कंट्रोल एस, तो थोड़ा सा मतलब अंदर से स्पेस आ जाएगा, ठीक है। समिट अभी आ चुका है, अंदर से भी स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो ठीक है, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। तभी मैं क्या करूँगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड लगा देता हूँ, ठीक है, एक बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। अगर वेबसाइट बना रहे हो तो एक मेन चीज़ से अगर बैकग्राउंड अच्छा होगा तो अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड ऊपर मतलब जो कि बैकग्राउंड होता है, जो कि बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लगाता हूँ जो कि पारा है डॉट, मैं काम करूँगा कि जो कि H1 टैग के अंदर लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको भी फर्स्ट सीडो सिलेक्टर लगाऊंगा, मतलब जो कि H1 टैग है उसके पीछे लगाऊंगा, मतलब इसका जो कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि, ठीक है, मैं इसे बोलूँगा कि ये देखो कैसे लगाता हूँ, ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो H1 लिखा हूँ ना, तो इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, मतलब इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, मतलब क्यों किया देखना, इसको हटा देता हूँ। मैं बोलूँगा कि जो H1 है इसके पीछे मैं बिफोर शेडो सिलेक्टर लगाऊंगा, ठीक है। तो बिफोर शेडो सिलेक्टर ऐसे लगाते हैं, बिफोर शेडो सिलेक्टर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक बैकग्राउंड कलर दे देना, ठीक है। तो BG बैकग्राउंड इमेज कलर नहीं, तो BG इमेज, BG URL के थ्रू दे देता हूँ, IMG स्लैश, एक होता है कि BG इमेज, ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज दे दिया, अब देखते हैं कि ये तो आ जाएगा, बट इसके अंदर कुछ कंटेंट दे देता हूँ, ठीक है। कंटेंट कंटेंट को मैं क्या करूँगा कि कंटेंट को कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसे लिख दिया कंटेंट, ठीक है। तो इसका जो कि इमेज का हाइट विड्थ कुछ होगा ना, तो हाइट विड्थ दे देता हूँ, 100 100 ले लेगा, ऐसा जो कि हाइट है, ऐसा जो हाइट है, तो हाइट को क्या करूँगा कि 100 लिख देता हूँ, ठीक है, 100%। इसका जो विड्थ है इमेज का, जो कि विड्थ होगा वो 100% ले लेगा, ठीक है। ये किसका 100% लेगा, मतलब जिसका मैं जिसका पोजिशनिंग करूँगा, मतलब इसका जो पोजिशन को मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजिशन को मैं क्या करूँगा कि एब्सोल्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कर दिया, उसके बाद मैं बोलूँगा कि और टॉप से लेफ्ट से कुछ नहीं चाहिए, बट लिख देता हूँ टॉप से अगर 0 पिक्सल, अच्छा ठीक, काम एक काम करता हूँ, टॉप से मैं लिख देता हूँ कि टॉप से 0 पिक्सल, 0 PX लिखा देता हूँ, और 0 PX PX, हाँ तो अभी बढ़िया है। अब देखना कि हाँ टॉप से हो गया अभी 0 पिक्सल, और लेफ्ट से क्या करूँगा कि LE, ठीक है, लेफ्ट, सॉरी LEFT, ठीक है, लेफ्ट से मैं क्या करूँगा कि 0 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। टॉप से 0 पिक्सल हो गया और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल अभी मिल चुका है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये अभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं इसका पोजीशन को रिलेटिव करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास ये है ना, मतलब इसका जो पोजीशन है इसको मैं रिलेटिव करूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बट देखता हूँ कि ये इसको सेव करके देख दे मतलब देखता हूँ कि ये कैसे काम ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो ये अभी आ चुका है, ठीक है, तो अभी आ चुका है, बट ये 100 100% ले रहा है, बट इस ये टोटल ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब इसको इसका जेड इंडेक्स सेट कर देता हूँ, जेड इंडेक्स को -2 कर देता हूँ। तो जेड इंडेक्स, एक होता है कि जी इंडेक्स बोलते हैं, जी इंडेक्स को मैं क्या करूँगा कि -2 कर देता हूँ। -2 करने से क्या होगा कि ये पीछे चले जाएगा, क्योंकि ये -1 था ना, उससे छोटा कौन है कि -2 है, ठीक है। तो -2 कर दूंगा तो वो उस मतलब सबसे पीछे चले जाएगा मेरा जो इमेज है, ठीक है। तो ये अभी जा चुका है, बट इसका ओपासिटी बहुत ज़्यादा है। मैं काम करूँगा कि जो होम बटन है इसको व्हाइट करूँगा, इस सारे को चीज़ सारे चीज़ व्हाइट कर देता हूँ, इसका ओपासिटी कम कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक काम करूँगा, ये देखना अभी,
तो एक काम, ये तो अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट एक काम करूँगा यहाँ पर इसका ओपासिटी को मैं क्या करूँगा कि जो कि ओपासिटी है, ओपासिटी को मैं क्या करूँगा, पहले ओपासिटी को ये कर दूँगा 0.3 कर देता हूँ, 0.3 कर देता हूँ। तो 0.3 करने से क्या होगा कि ये देखो, अब देखो अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये तो अभी हो चुका है, तो अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं और कुछ लगाऊंगा, मतलब एक देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि और एक सेक्शन लगाऊंगा, सेक्शन के अंदर मैं छोटा छोटा इमेज लगाऊंगा, उसके बाद छोटा छोटा पैराग्राफ लगाऊंगा। जैसे कि मैं पिछले मतलब जैसे कि मैं जब स्टार्ट किया वीडियो उसी टाइम आपको दिखाया था एक वेबसाइट, तो मतलब उसी वेबसाइट जैसा एक बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि तो मैं क्या करूँगा कि एक डिप बनाऊँगा बेसिकली, इसके अंदर एक सेक्शन टैग बनाऊंगा बेसिकली, ये देखना। तो आपका अगर सीएसएस अगर क्लियर होगा तो आप सब कुछ कर पाओगे, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये सेक्शन, एक सेक्शन टैग बना रहा हूँ, तो सेक्शन सेक्शन टैग के अंदर क्या करना कि इसका कुछ आईडी होगा ना, तो SSC दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर SSC1 दिया था, यहाँ पर SSC2 दे दूंगा, ठीक है। इसका जो आईडी है तो आईडी को क्या करूँगा कि SSC2 दे दिया, ठीक है। तो आईडी भी दे चुका हूँ अभी, आपको पता है इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसका जो डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा कि मेरा जो कि कंटेंट है वो मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन तो बाय डिफॉल्ट होता है ना, रो होता है ना, तो ऐसे ही एक कंटेंट आएगा यहाँ पर, सेकेंड कंटेंट यहाँ पर आएगा, थर्ड कंटेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ, एक डिप बनाऊँगा, तो एक डिप बनाऊँगा, ठीक है। तो एक डिप बनाऊँगा, डिप डॉट, डिप का कुछ आईडी होगा ना, नहीं तो डिप का कुछ क्लास होगा, डिप डॉट क्लास। डिप के अंदर कुछ भी क्लास दे सकता हूँ, जैसे कि सर SAR दे रहा हूँ, SARV सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस। तो इसका जो क्लास है ये सर्विस है, ठीक है। तो ये डिप नाम का एक क्लास बना दिया, उसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ करूँगा, मतलब उसको जो भी चीज़ बनाऊँगा उसके बाद उसको रेप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है। तो इसको तो पहले मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाने से क्या होगा कि मैं मेरा जो चीज़ चीज़ है इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसको मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला काम है जितना का आप कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका पहले क्या करूँगा कि ये देखो पहले इसके अंदर क्या रखूँगा, एक इमेज रहेगा, उसके बाद पैराग्राफ कुछ रहेगा, ठीक है। एक इमेज रखूँगा ना, एक लोगो बनाऊँगा ना, तो डिप डॉट डिप, तो इसके अंदर एक डिप क्यू बनाऊंगा बेसिकली। एक काम कर सकते हो, IMG लगा देता हूँ, ठीक है। तो IMG लगा लेता हूँ डायरेक्ट, IMG। SRC के अंदर कुछ दे देता हूँ कि इमेज प्रॉब्लम लिख देता हूँ, नहीं तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो SRC के अंदर ऑल्ट के अंदर लिखना है, SRC के अंदर नहीं, SRC के अंदर आपको इमेज देना पड़ेगा IMG, IMG, IMG स्लैश। तो यहाँ पर मैं एक सर लोगो ले रहा हूँ, तो ये logo 1, logo 2, logo 3, ठीक है। इसको मैं logo 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर इमेज प्रॉब्लम, इमेज प्रॉब्लम, IMSG इमेज प्रॉब्लम, PROBL, ठीक है, इमेज प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज दे दिया, उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि इसके अंदर और भी एक पैराग्राफ दे दूंगा, ठीक है। तो एक पैराग्राफ भी रहेगा, पैरा का नाम, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक पैराग्राफ भी है, पी डॉट क्लास ना, PA दे रहा हूँ, PA, इसे जो क्लास है ये PA है, ठीक है। इसके अंदर कुछ डाल दूंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या डालूंगा, लॉरेम कुछ डाल रहा हूँ इसके अंदर, लॉरेम 30, नहीं तो 30 बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं 20 दे दिया, 20 लॉरेम, 20 अभी लॉरेम 20 हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये इसके अंदर सर्विस है, देखो ये तो ये एक सेक्शन टैग है, सेक्शन टैग के अंदर दो चीज़ है, तो सेक्शन टैग के अंदर एक डिब है, ठीक है। तो डिब के अंदर दो चीज़ है, दो चीज़ मतलब एक है इमेज टैग है, मतलब एक इमेज है और एक पैराग्राफ है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो जो डिब टैग है, तो डिब टैग को मैं क्या करूँगा कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं बोलूँगा कि पहले बोलूँगा कि मेरा जो कि डिब टैग है यहाँ पर, मैं बोलूँगा कि ये देखो मैं क्या मतलब एक एक ट्रिक है, आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ। अगर इसका इसका जो डिस्प्ले है अगर फ्लेक्स कर दूंगा तो क्या होगा कि ये देखो, पहले क्या करूँगा कि इसका जो कि डिस्प्ले को मैं फ्लेक्स करूँगा, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। तो आप ये जो आपको दिखा देता हूँ,
क्या होता है यहाँ पर, जो कि डिब है, डिब डॉट क्लास से, इसका जो क्लास सर्विस है ना, मैं सर्विस को उठा रहा हूँ पहले, इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो आप कंट्रोल सी भी कर सकते हो, ठीक है, मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, तो यहाँ पर कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है, डॉट कंट्रोल भी, कंट्रोल भी क्योंकि ये क्लास है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसका जो कि डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले को अगर मैं फ्लेक्स कर दूंगा, अगर मैं इसका डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा, आपको तो पता है अगर अगर इसका जो डिस्प्ले है अगर फ्लेक्स कर दूंगा तो क्या होगा कि एक इमेज यहाँ पर आएगा, पैराग्राफ यहाँ पर आएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज ऊपर आएगा उसके बाद नीचे पैराग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन को FLEX, फ्लेक्स डायरेक्शन है FD देख देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या करूँगा कि कलम कर दूंगा। कलम करने से क्या होगा कि ये मतलब नीचे ऐसे स्टाक होकर रहेगा, मतलब कलम कलम में उस नीचे नीचे स्टाक होकर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसके उसके बाद में क्या करूँगा कि इसका जो कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं वो हॉरिजॉन्टली सेंटर होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाए और वर्टिकली भी सेंटर में आ जाए। तो आपको पता है अगर मैं डायरेक्शन अभी चेंज कर रहा हूँ ना, मतलब अभी जस्टिफाई कंटेंट अगर कर दूंगा तो वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट को अभी सेंटर कर दूंगा, तो क्या होगा कि वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब काम करता है कि नहीं। अच्छा, वो इमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, मैं गलती कर चुका हूँ यहाँ पर, इमेज जो आएगा बहुत बड़ा इमेज आएगा, ये देखो बहुत बड़ा इमेज आ चुका है, मैं पहले से बोल दिया था ये गलती कर चुका हूँ, क्योंकि इसका इसको एक डीप के अंदर रखना चाहिए था, ठीक है। तो डीप के अंदर रखना चाहिए था क्योंकि उसका उसको अभी वो बेकाबू हो चुका है, उसको काबू में लाना पड़ेगा। काबू में कैसे लाऊंगा, तो इसका इसको एक बॉक्स के अंदर मतलब ठीक करना पड़ेगा, ठीक, बॉक्स के अंदर रख के इसका मतलब साइज़ छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। मैं डायरेक्ट इमेज रख दिया था, तो इमेज को डायरेक्ट ऐसे रख मत रखना। तो इमेज को क्या करूँगा कि जो कि IMG है, कहाँ है मैं मार्कअप कहाँ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो कि IMG है, IMG को मैं एक काम करूँगा, ये डीप के अंदर रखूँगा, ठीक है। तो डीप के अंदर रखूँगा, तो डीप डीप के अंदर डीप का एक क्लास होगा डॉट, नहीं यहाँ पर क्लास लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एमएड तो अभी नहीं है ना, ठीक है। तो क्लास मैं दे रहा हूँ कि IM, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है, IMAG, ठीक है, IM लिख देता हूँ, ठीक है। IM के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ, ठीक है। ये अभी आ चुका है, अभी मैं बोलूँगा कि जो कि IM है, अभी मैं ये अभी IM के अंदर आ चुका है, IM का कुछ हाइट वीट दे देता हूँ, IM का हाइट वीट दे दूँगा तो ठीक हो जाएगा मेरा प्रॉब्लम, ठीक है। आप समझ पा रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर आप वीडियो मेरा पहले से देख रहे हो तो आप समझ पाओगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो IM.IM क्योंकि ये क्लास है ना, .IM यहाँ पर बोलूँगा कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पर .IM को क्या करना कि .IM जो कि .IM है, तो इसका जो कि हाइट को मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। मैं अगर बाद में इसको चेंज कर दूँगा हाइट को, तो हाइट को मैं क्या करूँगा कि 200 पिक्सल, उसके साथ साथ उसका जो वेड्थ है, विड्थ को क्या करना कि 200 पिक्सल कर देना, 200 पिक्सल कर दिया, ठीक है। हाइट विड्थ भी अभी सेट हो चुका है, तो बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं चाहिए बैकग्राउंड, क्योंकि अभी ठीक हो चुका है। अब देखना कि ठीक हो चुका है अभी, क्योंकि अभी छोटा हो चुका है इमेज, ये देखो इमेज तो अभी छोटा हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर इमेज है ना, तो मैं से बोलना पड़ेगा कि जो कि IMG के अंदर जाना, तो ये छोटा हो चुका है IMG के अंदर जो कि, अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या गलती किया है ये देखना, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा .IMG लिखना पड़ेगा, IMG कर देता हूँ, IMG, ठीक है, IMG के अंदर जाना, उसके बाद हो जाएगा सब कुछ ठीक। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो छोटा हो चुका है और सब कुछ ठीक हो चुका है अभी, तो अभी ये भी सेंटर में है अभी, मतलब जो सेक्शन टैग्स जहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि होम अबाउट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं अबाउट लिख देता हूँ, इमेज चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अबाउट लिख देता हूँ, अबाउट लिखने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि अबाउट सेक्शन टैग कहाँ पर स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सेक्शन टैग स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं H1 टैग लिख देता हूँ, H1 टैग के अंदर लिख दूंगा कि अबाउट हो गया, ठीक है।
तो अभी इसका जो कि HR है, इसका कुछ ID दे रहा हूँ, सॉरी इसका जो कि ID है, ID यूनिक होता है ना, तो ID को A कर देता हूँ, ठीक है। ID A है, तो जैसे भी आप डिजाइन करना है, ठीक है, इसको टेक्सटाइल सेंटर कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। अब देखना कि मैं बोलूँगा कि A को सेंटर में ले लेना, जो कि A है, जो कि A है, डॉट A है, उसको सेंटर में ले लेना, उसको टेक्सटाइल लाइन सेंटर कर देना, टेक्सटाइल लाइन को सेंटर कर देना, तो अभी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ये अभी सेंटर में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो अभी अबाउट है, बट ये सेंटर में क्यों नहीं आया है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं कि टेक्सटाइल लाइन सेंटर तो है, एक काम करते हैं इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, जैसे भी मैं ला सकता हूँ, मतलब जैसे भी करके मैं ले लूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर में तो ले लूँगा, क्योंकि मैं इसको बोलूँगा कि डिस्प्ले मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, मैं जैसे भी ले लूँगा, ठीक है, मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, मुझे कुछ करना है तो मैं करके ही रहता हूँ, मतलब ये हो चुका है। अभी इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, तो डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना, डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना, मार्जिन ऑटो कर देना, क्योंकि ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ को हम सेंटर में ऐसे लेते हैं, ठीक है, अभी तो सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा देखते हैं, क्योंकि ये भी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए, बट अच्छा ठीक है, तो ये तो ब्लॉक एलिमेंट, डिस्प्ले ब्लॉक हो चुका है। अच्छा ठीक है, अभी मैं मार्जिन ऑटो है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, तो पहले से, मतलब पहले नहीं था शायद, ब्लॉक एलिमेंट नहीं था। अच्छा, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि, अच्छा क्लास तो ए है ना, तो क्लास, अच्छा ये क्लास लिखा हूँ यहाँ पर, सॉरी ये आईडी है ना, इसलिए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती कर दिया कि यहाँ पर पाउंड साइन देना पड़ेगा, यहाँ पर ये सिलेक्ट, वो तो टोटल ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना, इसलिए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देने से हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक पहले से होता है, बस टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना। मैं मतलब वही सोच रहा था कि मतलब क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, एक छोटा छोटा गलती हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये अभी सेंटर में आ जाएगा, ये देखो आ चुका है, ठीक है। तो कुछ टॉप मार्जिन दे देते हैं, मतलब मार्जिन मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 3 पिक्सल, नहीं तो हाँ ठीक है 3 पिक्सल, मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा इंस्पेक्ट करके, ठीक है, इंस्पेक्ट करके इसको ठीक कर दूंगा। अभी हो आ चुका है, इसका पहले इमेज चेंज करूँगा, जो कि इमेज थे मेरे पास IMG कहाँ पर है, सर्विस, अच्छा ठीक है, मैं मार्क मतलब HTML में जा रहा हूँ, जो कि पहले इस इमेज को अभी चेंज करूँगा, तो मैं सर्विस के लिए Service1 लगा देता हूँ इसको, ये देखो मैं ये इमेज यूज करूँगा अभी, ये देखो अब अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि इसको एक डिप टैग के अंदर डालूँगा बेसिकली, तो IMG है, तो इसको भी मैं डिप टैग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको भी जो पारा है, इसको भी मैं डिप टैग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, तो इसको भी मैं डिप इसी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँगा कि जो कि IM के अंदर जाना, तो ये आप बोल रहे हो कि इसको क्यों बनाया है, इसको क्यों बनाया है सर्विस को, क्योंकि सर्विस को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स किया हूँ, ठीक है, इसको फ्लेक्स किया हूँ, इसके अंदर जो कि कंटेंट है इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि जो कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ एक ही तो पैराग्राफ है ना, तो अभी इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, देखते हैं ये कैसे दिखाई देता है। अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट इसका ये अभी सेंटर में नहीं आया है अभी तक, ये जो पैराग्राफ है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर देखना मैं क्या करूँगा, ये देखना ना, मैं बोलूँगा चूँकि IM है, डॉट IM है, और डॉट IM को क्या करना कि क्योंकि एक IM ID है कि क्या है मुझे नहीं पता, जो कि IM क्या है, अच्छा क्लास है, ठीक है। तो क्लास को क्या करना कि मैं चाहता हूँ कि जो जो चीज़ है, तो क्या क्या होगा कि ये इसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो इसके अंदर कौन सा चीज़ है, मतलब सर्विस के अंदर एक इमेज टैग है और एक पैराग्राफ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लिख दिया हूँ, तो इसको भी हटा देता हूँ,
ठीक है, ये कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर मैं CSS में चेंज कर रहा हूँ, डॉट आई एम लिखा था तो ये डायरेक्ट तो हो जा रहे हैं, मतलब आई एम कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आई एम को हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंट्रोल एस, तो देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। ये अभी क्या हो रहा है कि हो चुका है अभी, ठीक है, अभी सेंटर में आ चुका है, ऐसे भी हो चुका है। ठीक है, तो ये जो वार्ड है ये बहुत एरिया ले रहा है, ये क्यों इतना एरिया ले रहा है बेसिकली? अच्छा, ये टोटल एरिया ले रहा है ना, तो इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। ये भी इमेज को मैं सेंटर में लेना चाहता हूँ, तो आई एम जी को टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन नहीं तो इसको सेंटर में कैसे लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारा चीज़ इसका सेंटर में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर भी जो भी चीज़ है वो भी सेंटर में आ जाना चाहिए। तो मैं अगर एक काम करूँगा, इसको भी मतलब इसको भी मैं ये कर दूंगा, मतलब क्या करूँगा आपको पता है, जो कि देखो सेक्शन है, मेरे पास एक सेक्शन है बेसिकली, सेक्शन के अंदर क्या है, डिव क्लास है, ये एक सर्विस नाम का एक है, इसको मैं क्या किया हूँ कि इसका जो डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं नीचे कर दिया हूँ, मतलब एक ऊपर रहेगा उसके बाद और एक चीज़ नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया, उसके बाद अलाइन आइटम को सेंटर कर दूंगा। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होगा देखना अभी। तो कहाँ गया मेरा जो कि SSC2 है, नहीं तो SSC2 ना क्या था मुझे नहीं पता, अच्छा सर्विस था ना, तो सर्विस को मैं क्या करूँगा, अच्छा सर्विस के अंदर जाऊँगा, जो सर्विस था इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन को मैं क्या करूँगा, सेंटर कर दूंगा। ठीक है, अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और टेक्स्ट अलाइन को भी सेंटर कर चुका हूँ अभी। ठीक है, कंट्रोल एस, अभी देखना, अभी ये भी आ चुका है, ये अभी सेंटर में आ चुका है, बट ये नाम नहीं ले रहा है कि सेंटर में जाने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, इसको इसका मूड नहीं है जाने के लिए। ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों को मैं सेंटर में लेना चाहता हूँ, बट ये नहीं जा रहा है, इसको देखते हैं कि क्यों नहीं जा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब CSS में, मतलब HTML में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा। ठीक है, तो ये सेंटर में क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये टोटल, अच्छा एक काम करता हूँ, इसका डिस्प्ले को, ये टोटल ब्लॉक है ना, इसलिए नहीं जा रहा है। ठीक है, ये टोटल ब्लॉक एलिमेंट है, अच्छा ये इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए नहीं जा रहा है, तो इसका डिस्प्ले को ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो एक काम करूँगा कि, अच्छा ठीक है इसको देखता हूँ मैं, इसको रिलेटिव करके भी सेंटर में ले लूँगा, नहीं तो एक काम, शायद मैं यहाँ पर कुछ गलती किया हूँ, जो कि ऑल्ट है, तो इसके इस ये तो सेंटर में आ चुका है, जो कि पारा है, डॉट पारा, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कि इसके अंदर जो भी चीज़ है, मतलब जस्टिफाई सर्विस के अंदर हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, उसके बाद वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा, मतलब वर्टिकली भी सेंटर में आ जाना चाहिए, बट क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं कि देखते हैं कि इसको मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल डी कर देता हूँ सबको, मतलब मैं चार चीज़ कर देता हूँ, ऐसे मतलब मुझे चार चीज़ चाहिए, मतलब इसको मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, अब ये चार बार हो चुका है, 1 2 ये सर्विस है, 3 4, ये अभी 4 बार, मतलब 4 बार हो चुका है अभी। उसके बाद मैं बोलूँगा कि जो कि SSC2 है, SSC2 है, इसका डिस्प्ले को SSC2 में नहीं बनाया हूँ अभी तक, मैं बोलूँगा कि SSC2 जो है, SSC2 जो है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा जो कि ID SSC2 एस, सॉरी सी नहीं, SSC2 को क्या करना है कि इसे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना, बस और कुछ नहीं, इसका डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना, तो अभी सब कुछ हो जाएगा। तो कंट्रोल एस, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, एक इमेज आ जाएगा, बहुत मतलब 4 बार आ चुका है, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं रिलेटिव करके आगे इमेजेस ठीक कर दूंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अब थोड़ा वेबसाइट जैसा दिखाई दे रहा है, अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक बॉर्डर ले लूँगा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर आ जाए, तो बॉर्डर कैसे लाऊंगा, तो देखना कैसे बॉर्डर लाऊंगा, देखना अभी मैं क्या करूँगा कि जो कि मेरे पास जो चीज़ है अभी सर्विस, तो सर्विस को मैं एक बैकग्राउंड बॉर्डर, एक बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, सर्विस को
जो सर्विस है, तो सर्विस यहाँ पर एक बॉर्डर दे देता हूँ, तो बॉर्डर, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, 2px, 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड, ठीक है, अभी रेड हो चुका है। उसके साथ साथ कुछ मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन मार्जिन 3 पिक्सल, 3px, ठीक है, px, 3 पिक्सल दे दिया, मार्जिन भी दे दिया, ठीक है, तो ये मार्जिन भी आ चुका है अभी। हाँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुका है, मतलब ये सेंटर में, मतलब ये सेंटर में लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो इमेज है इसको मैं क्या क्या करूँगा कि सेंटर में ले लूँगा, मतलब एक काम कर सकता हूँ, इसका जो कि IMG है इसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ, इसका जो पोजीशन है, क्यों पोजीशन कर रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन को मैं रिलेटिव करने से क्या होगा कि मैं इसको मैं लेफ्ट से दे सकता हूँ, लेफ्ट से मैं बोलूँगा कि लेफ्ट से 3 पिक्सल 3px कर दिया, तो ऐसे क्यों किया, अब देखना अभी क्या होगा। अगर मैं 3 पिक्सल दे दिया तो अगर इंस्पेक्ट करूँगा तो अभी ये देखना, अभी इसको मैं मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, ये मतलब ये देखो, ये देखो, इसलिए मैं रिलेट भी किया था, ठीक है, इसको मैं सेंटर में ले लिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इमेजेस चेंज करूँगा, उसके बाद बॉर्डर बॉर्डर रेडियस कुछ दे दूँगा, ठीक है। तो ये कितना है, 42 पिक्सल, ठीक है, रिलेटिव इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे चीज़ ऐसे कॉपी कर देना कंट्रोल सी, उसके बाद जाके जो कि सर्विसेस इमेजेस के अंदर डाल देना ऐसे, कंट्रोल वी, ठीक है, तो कंट्रोल एस, अभी सारा चीज़ भी ठीक हो चुका है, ठीक है। तो अभी एक काम करना है, तो यहाँ पर कुछ मार्जिन आना चाहिए, उसके बाद पैडिंग आना चाहिए, ठीक है, तो मार्जिन पैडिंग कुछ दे दूँगा, अभी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए, तो मार्जिन पैडिंग सब कुछ देंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, बॉर्डर रेडियस कुछ दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले मेरा अभी दिमाग में आ रहा है कि मैं काम करूँगा कि बॉर्डर रेडियस कुछ दे देता हूँ, कि बॉर्डर बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस को क्या करूँगा कि 11 पिक्सल दे देता हूँ, 11px देता हूँ, px बॉर्डर रेडियस को अगर मैं 11 पिक्सल दे दूँगा तो क्या होगा कि देखना, अभी ये अभी ऐसे हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब बॉर्डर रेडियस दे चुका हूँ, बट IMG के मतलब यहाँ पर बॉर्डर रेडियस हो चुका है ऐसे, मतलब इसका भी सर्विस था कि मतलब इसका जो कि क्लास था, ये सर्विस ये किस क्यों ऐसे हो चुका है मुझे नहीं पता, मतलब ये क्यों ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप, तो बॉर्डर रेडियस तो ये तो सर्विस है, बट और कहाँ पर सर्विस यूज किया हूँ कि नहीं, तो मैं एक अच्छा ऊपर कोई मतलब ऊपर कहाँ पर किया हूँ शायद, अच्छा ये इमेज है कि, तो इमेज के अंदर डायरेक्ट यूज किया हूँ ना, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्विस लिख दिया, सर्विस का बॉर्डर रेडियस चेंज किया हूँ, ठीक है, तो IMG का कुछ बॉर्डर रेडियस तो नहीं दिया हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर 11 पिक्सल आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, देखते हैं इसको भी ठीक करते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा जब आप वेबसाइट बनाओगे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, उसको ठीक करना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और वेबसाइट भी बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये काम मतलब क्यों ऐसा हो चुका है, देखते हैं इसका जो क्लास है क्या है, इसका जो क्लास है logo.img है, ठीक है, तो logo.img है, तो रेडियस इसको, इसका जो रेडियस है 60 पिक्सल, और इसका जो कि मार्जिन पैडिंग भी है, एक काम करता हूँ, अच्छा ये बड़ा क्यों हो गया इतना, तो इसका मार्जिन पैडिंग तो रिसेट किया था ना मैं, अच्छा मार्जिन पैडिंग रिसेट हो चुका है, तो एक अच्छा कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद, सर्विस काम पर यूज किया हूँ शायद, एक काम करता हूँ कि इसको मैं छोटा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसका जो हाइट है मतलब ये किसके अंदर है, अच्छा देखता हूँ कि जो कि नाप बार है, नाप है, तो अच्छा नाप के अंदर लोगो है, मैं चाहता हूँ टोटल जो कि नाप बार है, नाप जो है नेविगेशन है उसका जो कि हाइट को मैं सेट करूँगा, ठीक है, इसे जो हाइट को मैं छोटा कम कर दूँगा, ठीक है, नेविगेशन का डॉट नाप नेविगेशन है, इसका जो हाइट है कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका जो कि हाइट है, ठीक है, इसका हाइट को मैं ऊपर कब सेट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि नेविगेशन है, तो यहाँ पर डॉट नेविगेशन यहाँ पर था ना, तो छोड़ देते हैं,
यहाँ पर क्या करूँगा कि जो कि नेविगेशन है उसका जो हाइट है, तो हाइट को मैं क्या करूँगा कि विड्थ हो गया यहाँ पर हाइट, हाइट को क्या करूँगा कि हाइट, हाइट को क्या करूँगा कि 400 कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, 200 ये तो 100 px कर देता हूँ, 100 px, देखते हैं कैसे दिखाया जाता है, 100 px कर देता हूँ, ठीक है। तो 100 px कर दिया, उसके बाद देखते हैं कि इसका हाइट अभी छोटा हो चुका है, बट ये अभी ऊपर क्यों आ रहा है। अच्छा, ये तो अभी 100 px हो चुका है इसका, बट ये ओवरफ्लो हो रहा है बेसिकली, ये यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि ये जो इमेज है लोगो है क्यों ओवरफ्लो हो रहा है मैं देख रहा हूँ, जो कि IMG है। अच्छा ठीक है, लोगो के अंदर जाना, उसके बाद जो IMG है उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लोगो के अंदर जो कि IMG है, ठीक है, लोगो के अंदर जो कि IMG है, मैं इससे बोलना चाहिए मुझे .logo.img है कि, अच्छा ठीक है, लोगो के अंदर जो कि IMG है कुछ दिया हूँ ना, मतलब बॉर्डर रेडियस दे दिया 60 px, बॉर्डर रेडियस 60 px है, ठीक है। तो मार्जिन पैडिंग, अच्छा मार्जिन पैडिंग को मैं क्या करूँगा कि कम कर देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ कि 3 px दे देता हूँ, ठीक है 3 px कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है कंट्रोल एस मार्जिन। तो देखते हैं अभी कैसे दिखाई देता है, अब छोटा हो चुका है, बट ये इतना बड़ा क्यों हो चुका है, बड़ा इमेज क्यों हो चुका है, बस ये मुझे जानना है। तो इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, तो इसका जो इमेज साइज है, नहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम आया है, मतलब इतना बड़ा क्यों हो चुका है। देखता हूँ कि .img है, अच्छा, ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं यहाँ पर डोडा लिखा हूँ ना, प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट IMG लिख दिया हूँ, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। मैं डायरेक्ट एक IMG टैग यूज किया हूँ ना, तो यहाँ पर एक IMG डायरेक्ट लिख दिया हूँ ना, टू IMG को 200 200 px कर देना, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो इमेज है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो इमेज कहाँ पर है, ये इमेज कहाँ पर है, ये सर्विस के अंदर है, ठीक है। तो सर्विस के अंदर है, मैं बोलूँगा कि सर्विस के अंदर जाना, उसके बाद उसके अंदर जो इमेज है उसको पकड़ना, ठीक है। मैं मुझे सब मेरा जो कि सारा इमेज मैं ख़राब करना नहीं चाहता, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल बी ऐसे कर देना, कुछ नहीं, कंट्रोल सी हो गया, एक आईडी ना क्लास, अच्छा ठीक है, ये क्लास है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो कि डॉट, मैं बोलूँगा कि डॉट कंट्रोल भी है, जो कि डॉट कंट्रोल भी है मतलब सर्विस है, तो ऐसे कर देना, तो अभी ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बात है, ठीक है। तो अभी ठीक हो चुका है, ठीक है, मतलब इसलिए प्रॉब्लम आ गया था, मतलब मैं छोटा सा प्रॉब्लम, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये भी सब कुछ ठीक हो चुका है अभी। तो अभी जब वेबसाइट बनता है ऐसे प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं वेबसाइट बन जाता है, बहुत कचरा फैलता है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, जब वेबसाइट अच्छा बन जाएगा तो आपको खुशी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, और थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर में लेने के लिए, ठीक है, और थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं, और थोड़ा आप एक काम कर सकते हो, ये जो ट्रिपल डॉट आ रहा है, तो इससे इसको फ्लोटिंग विंडो आपको मिल जाएगा, एक फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा, उसके बाद इसके साथ आप खेल सकते हो, ठीक है, जो भी है। तो एक काम करना है कि इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि लेफ्ट से 42 था, 40 ऐसे कर देता हूँ, 48 कर देता हूँ, ठीक है, 48 अच्छा है, आप 44 कर देता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो 45 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है। अच्छा लेफ्ट से 40, लेफ्ट से मतलब ऐसे क्यों हो गया, लेफ्ट से 40 ऐसे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, अच्छा कंट्रोल एस, 42 से कैसे दिखाई देता है देखते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब 48 कर दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है 48 कर देता हूँ, ठीक है 48 करने से, ठीक है, मतलब एक काम करता हूँ 50 कर रहा हूँ, 53 कंट्रोल एस, अब अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब सेंटर में आ चुका है। नहीं तो एक काम कर सकते हो, इसको सेंटर में लेने के लिए एक काम कर सकते हो कि हाँ सेंटर भी इसको पिक्सल में ले सकते हो, नहीं तो इसको एक काम करना है कि बॉक्स बना, मतलब ये होराइजेंटली वर्टिकल सेंटर में, होराइजेंटली भी सेंटर हो सकता है, मैं
जो लिखा हो ना, जो सर्विस के अंदर लिखा हो ना, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम कर दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अच्छा, टेक्स्ट अलाइन अलाइन आइटम, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कर दिया था, ठीक है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा था, तो अलाइन आइटम को सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अलाइन आइटम को अगर सेंटर कर दूंगा तो क्या होगा कि अलाइन आइटम को सेंटर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मेरा सेंटर में नहीं आ रहा था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंटर में नहीं आ रहा था, अलाइन आइटम को अभी सेंटर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे पिक्सल में मत, ये भी हो चुका है क्योंकि ये प्रॉब्लम आ चुका है क्योंकि मैं ऐसे लिखा हूँ ना, इसको मैं हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जैसे कि लेफ्ट रिलेटिव करके इसको, ये दोनों को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यूज कर रहा था, मतलब मेरा सेंटर में नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा था, तो अभी आ चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। अब इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ और अच्छा दिखाई देगा। ये भी सब कुछ ठीक हो चुका है। और डॉट पारा है, जो कि डॉट पारा एक लिखा हूँ ना, इसका कुछ नाम है कि जो कि पारा है, अच्छा पी ए है, ठीक है। मैं बोलूँगा डॉट पी ए को, डॉट पी ए को क्या करना है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना, डॉट पी ए, सॉरी यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर बोलना कि जो कि डॉट पी ए है, इसको मैं हटा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि डॉट पी ए, सॉरी पी ए है, पी ए, ठीक है। तो अच्छा डॉट पी ए, पी ए को क्या करना है कि इसको, इसका जो टेक्स्ट अलाइन, नहीं एक काम कर सकूँ कि अलाइन आइटम टेक्स्ट अलाइन क्या करना है कि जस्टिफाई कर देना है, टेक्स्ट अलाइन बहुत सारा चीज़ होता है, ऑटोमेटिक आपका याद आ जाएगा, अगर आप प्रॉब्लम आएगा तो ऑटोमेटिक आपका सॉल्यूशन भी आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई करने से थोड़ा गैप आ जाएगा, मतलब बराबर जो स्पेस है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट से ख़त्म होगा, और ऐसे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक एडजस्ट मतलब समझ रहे हो ना, तो आपको दिखा देता हूँ कैसे एडजस्ट हो रहा है। ये देखो पहले कैसे था, आप बैक करके देखो अभी कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी मेरा जो सब कुछ अबाउट आ गया है, सब कुछ आ गया है, मतलब ये यहाँ पर थोड़ा मार्जिन आना चाहिए ऊपर ऊपर, ठीक है, टॉप और लेफ्ट, टॉप और बॉटम थोड़ा मार्जिन आना चाहिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि हर तरफ से भी मार्जिन ले सकता हूँ, ठीक है। अबाउट जो है, यहाँ पर अबाउट का कुछ था कि क्लास था कि आईडी था कुछ, जो कि हेडिंग था अबाउट, अबाउट का ए था, तो ए मार्जिन दे रहा हूँ यहाँ पर, तो मार्जिन दे देता हूँ कि ए को, ए भाई कहाँ पर है, तो यहाँ पर मार्जिन 3 पिक्सल था, इसको मैं कोई ख़तरनाक पिक्सल दे रहा हूँ जैसे कि 10 पिक्सल कंट्रोलेस, तो एक बड़ा सा मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप था कि, अच्छा टॉप था, तो मैं चाहता हूँ कि हर तरफ से मार्जिन आना चाहिए 10 पिक्सल, ठीक है। तो अबाउट हर तरफ से अभी आ चुका है, तो होम अबाउट, उसके बाद आ जाएगा सर्विस कॉन्टैक्टर्स, ठीक है। तो सर्विस अभी लिखूँगा कुछ, यहाँ पर अगर मैं पैडिंग दे दूँगा तो ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस आना चाहिए शायद, आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है सब कुछ तो अच्छा है, बट आप इसके स्पेस भी ले सकते हो, मतलब मैं चाहूँगा तो इसके अंदर स्पेस भी ला सकता हूँ, तो ये देखना है स्पेस कैसे आएगा। एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर एक काम करना, HTML से मैं इसको डिजाइन करूँगा, अभी देखना कि कैसे स्पेस लाऊँगा, अभी देखना। अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर डीप लिख दूँगा तो यहाँ पर डीप ब्रेक होता है जिसका कुछ मतलब भी नहीं होता है, ब्रेक लाइन के लिए एक काम करना, डीप नहीं BR होता है, सॉरी, तो IMG यहाँ पर BR लगा देता हूँ, BR, ठीक है। तो कंट्रोल S, तो अब देखते हैं कि ये भी आ रहा है कि नहीं, ये पक्का मतलब आ रहा है, मतलब ठीक है। तो अभी BR के मतलब हर तरफ से BR लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आ जाएगा ऐसे यहाँ पर। और मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी यूज कर रहा हूँ, 1 2 3 ऑल्ट दबा के, ठीक है। तो यहाँ पर BR यूज कर देता हूँ, आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो BR हो गया अभी, कंट्रोल S, ठीक है। तो अभी ये मतलब हर तरफ से स्पेस भी आ चुका है, मैं जो भी चाहूँगा तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर भी ऊपर मैं स्पेस नहीं चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँगा तो ला सकता हूँ, बट ठीक है। तो अगर मैं चाहूँगा तो ठीक है, मैं चाहूँ मतलब चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका हो चुका है, बट आप ले सकते हो, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मतलब ऊपर से टॉप से अगर आप बोल रहे हो तो मैं दे देता हूँ। और जो इमेजेस को भी चेंज करूँगा, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन को, जो कि IMG है, मैं जो कि IMG था, IMG कहाँ पर है,
CSS के अंदर जाऊंगा अभी, जो कि IMG है। तो जो कि सर्विस के अंदर जो कि IMG है मैं ढूंढ रहा हूँ। तो सर्विस के अंदर जो कि IMG है, इसका पोजीशन को रिलेटिव करना, पोजीशन को रिलेटिव करना, पोजीशन को रिलेटिव रिलेटिव करने से क्या होगा कि मैं टॉप से कुछ देना चाहता हूँ, टॉप से 3 पिक्सल, ठीक है, PX कंट्रोलेस कंट्रोलेस PX कंट्रोलेस, ठीक है। तो अभी आ चुका है, ऐसे मैं कर सकता हूँ और इंस्पेक्ट करके, तो इंस्पेक्ट कर देता हूँ इसको। बस आपको टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूँ, मतलब कुछ डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना खतरनाक डिजाइन मुझे नहीं आता है। तो अभी इसको 10 पिक्सल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, 10 पिक्सल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 10 पिक्सल। ऐसे आप इंस्पेक्ट करके भी कर सकते हो, बट पिक्सल मत यूज करना, मतलब ये सेंटर में है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के जा रहा है। मैं जैसे गलती कर रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा होता, मतलब आप ऐसे करो कि ऑटोमेटिक सेंटर में सब कुछ आ जाएगा। आपके आपको तो इतना अच्छा अच्छा हथियार दे दिया, आप जो टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए एक हथियार है, ठीक है। तो इतना हथियार दे दिया, ठीक है, तो आप कैसे यूज करोगे आपका आपको डिपेंड करता है, ठीक है। आप तो ये भी हो चुका है अभी, तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये तो अभी हो चुका है, अभी इतना तो हो चुका है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि और एक सेक्शन बनाऊंगा, और एक सेक्शन के अंदर क्या होगा कि लोगो आएगा, मतलब लोगो नहीं, अच्छा ठीक है, लोगो सर्विस आएगा, ठीक है, हर तरफ से सर्विस, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ऐसे दे दूंगा। उसके बाद इनपुट टैग दे दूंगा और एक लास्ट फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो जो ये होम हो गया, अबाउट हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये देखो, और एक सेक्शन टैग बना रहा हूँ, और एक सेक्शन टैग, ठीक है। तो ये सेक्शन SE, आप AC लिख दोगे तो सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन का कुछ ID होगा, क्योंकि हर सेक्शन यूनिक होता है, ठीक है, तो इसका कुछ ID होगा ना। तो यहाँ पर मैं SSC2 लिखा था, SSC3 कर दूंगा, कंट्रोल सी, SSC3 कर रहा हूँ यहाँ पर, SSC कंट्रोल भी SSC3 कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप समझ नहीं आ रहे तो बैक करके भी देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। तो कौन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस सेक्शन के अंदर मैं सेम चीज़ करूँगा, मतलब एक पहले क्या करूँगा कि इमेजेस रखूँगा, पहले एक डिव बना रहा हूँ। तो डिव बना दिया, ये जो डिव है इसका कुछ क्लास होगा, मतलब इसके अंदर कुछ क्लास होगा ना। तो क्लास आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि ये सर्विस SER क्लास, CL क्लास SER, SER, ठीक है। इसका जो क्लास है ये सर्विस है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि क्या करूँगा, ये देखना क्या करूँगा अभी, इसके अंदर इमेज डालूंगा तो क्या होगा कि बैकअप हो जाएगा, मतलब इमेज बहुत बड़ा बड़ा इमेज आएगा। तो इसको मैं कंट्रोल करने के लिए SSC का यूज किया हूँ। मैं बोलूँगा कि SSC को मैं छोटा छोटा कर दूंगा, तो एप्पल छोटा छोटा हो जाएगा, मतलब मेरे पास जो कि बड़ा बड़ा एप्पल था, उसको एप्पल का लोगो था, उसको छोटा करूँगा पहले। तो इसके अंदर ही मैं कुछ इमेजेस डाल देता हूँ, जैसे कि एक होता है कि IMG, इसके अंदर की IMG डाल देता हूँ, IMG। तो मैं बोलूँगा कि बैकग्राउंड इमेज भी दे सकता हूँ, नहीं तो इसके अंदर इमेजेस भी डाल देता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा कि जो कि SRC है, मतलब इसके अंदर जो कि इमेजेस डॉट IMG है, IMG स्लैश, एक होता है कि लोगो वन है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ठीक है, लोगो 1 प्रॉब्लम। तो ये अल्टरनेटिव है, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा, ठीक है। तो इमेजेस डाल दिया, उसके बाद इसके अंदर और कुछ नहीं करना है, इमेजेस बस डालना है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, तो मुझे SER के अंदर जो कि IMG, नहीं तो आप डायरेक्ट IMG करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं डायरेक्ट IMG नहीं किया। मैं बोलूँगा कि SER के अंदर जाना, उसके बाद जो कि IMG है उसको पकड़ना, ठीक है। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि कंट्रोल सी, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो कि डॉट, मैं यहाँ पर बोलूँगा डॉट, यहाँ पर डॉट दे देता हूँ, कंट्रोल भी। तो मैं बोलूँगा कि जो कि IMG के अंदर जाना, तो SER के अंदर जाना, SER2 है कि, अच्छा SER है, ओनली SER है, SER के अंदर जाना। उसके बाद जो कि IMG है, इसका जो वेट है, सॉरी हाइट है, जो कि वेट को करूँगा, ठीक है, वेट करो, हाइट को मैं क्या करूँगा कि 200 पिक्सल कर दूंगा, 200 पिक्सल, 200 नहीं, तो अच्छा ठीक है, 200 पिक्सल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 100 पिक्सल कर रहा हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ, 100 पिक्सल PX।
उसके बाद उसका जो ये विड्थ है, विड्थ को मैं क्या करूँ कि 100 पिक्सल 100 पिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इमेज 100%। IMG BG ये ठीक है, हाइट विड्थ तो दे दिया ना, अभी कंट्रोलाइज कर देता हूँ। तो इमेज साइज एक BG तो हम तो बैकग्राउंड नहीं दिया हूँ ना, थोड़ा इमेज ही यूज किया हूँ ना, तो यहाँ पर 100 100% हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, नहीं तो मैं बैकग्राउंड इमेज दे दूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। तो ये देखो अभी आ चुका है, ठीक है, ये अभी एप्पल आ चुका है अभी, ठीक है। तो ये 200 पिक्सल आ चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इससे इससे क्या करूँगा कि ये तो अभी आ चुका है एक एप्पल, उसके बाद और कुछ मेरे पास जो भी लोगो है, 2 3 लोगो, 2 3 4 लगा दूंगा ऐसे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मेरे पास जो कि है, मतलब क्या चीज़ है, SSC 3 है, उसको मैं पहले डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा। SSC 3 का जो जो डिस्प्ले है इसको फ्लेक्स करता हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, जो कि SSC डॉट, मैं बोलूँगा कि जो कि ID है मेरे पास, जो कि ID है, मतलब यहाँ पर ID दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ID दे दिया। उसके बाद जो बोलूँगा कि Ctrl V, तो इसका जो कि डिस्प्ले है, पहले बोलूँगा इसे जो डिस्प्ले को क्या करना है कि डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना। फ्लेक्स करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सब कुछ चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले Ctrl D कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ के मैं क्या कहूँगा कि Ctrl D कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रिक है, आप समझ जाओ क्या है ये। इसके अंदर मैं 4 इमेज डालना चाहता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो इमेज Logo 2 कर देता हूँ इसको, Logo 3 कर देता हूँ इसको, इसको Logo 3 कर देता हूँ, इसके बाद इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये 4 नहीं तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, मुझे 2 बार भी मिल जाएगा, ठीक है। ये Logo, तो एक लोगो 2 बार मिल जाएगा और कुछ नहीं। ये देखो अभी मिल चुका है, बट इसका कुछ मार्जिन नहीं है, कुछ पैडिंग नहीं है, ठीक है। मैं सब कुछ ठीक करूँगा अभी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ मार्जिन आ जाए, कुछ पैडिंग भी आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मार्जिन दे देता हूँ, यहाँ पर CSS में जाऊँगा, मैं बोलूँगा जो कि IMG इसका कोई मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। IMG नहीं तो एक काम करूँगा कि मैं बोलूँगा कि जो कि डॉट, मैं बोलूँगा कि डॉट SER है, डॉट SER के अंदर जाना, उसके अंदर कुछ मार्जिन दे देना। तो मार्जिन दे देना, तो मार्जिन मैं टॉप से कुछ दे रहा हूँ, 3 पिक्सल, 3 PX दे रहा हूँ, और 32 पिक्सल, 32 पिक्सल नहीं तो 10 पिक्सल, 10 PX कर रहा हूँ, ठीक है। 10 पिक्सल मतलब मैं बहुत बड़ा दे दिया, मतलब एक्स एक्सिस से। तो अभी आप देखना कि ये मार्जिन आ चुका है, बट इतना अच्छा भी मार्जिन नहीं आया है अभी तक। इसको मैं खतरनाक हाइट दे रहा हूँ, 30 दे दिया, 30 नहीं तो मैं 40 दे दिया, ठीक है, 40 पिक्सल दे दिया। तो ये अभी बहुत बड़ा मार्जिन आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये अभी मार्जिन आ चुका है, इसके अंदर जो मार्जिन है, और इंस्पेक्ट करके भी और भी मार्जिन बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसका जो मार्जिन है इसको और भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जो मार्जिन कहाँ गायब हो गया, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन नहीं दिखा रहा है, तो अच्छा इसको मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसका मार्जिन, ये जो मार्जिन है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मार्जिन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो मैं SER 3 जो है, मैं SER 3 बना रहा हूँ ना, तो 3 के अंदर जाऊँगा अभी। 3 के अंदर जो SER है, इसका जो मार्जिन है, ये देखो अभी अभी आ रहा है, तो इसको मैं बढ़ाऊँगा अभी। ये देखो अभी अभी बढ़ चुका है, इतना सही है, बहुत अच्छा है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि 94 पिक्सल, 94 पिक्सल कर देता हूँ, 94 पिक्सल बहुत अच्छा है, नहीं तो 99 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, 99 कर देता हूँ, ठीक है, 99, कंट्रोल एस। अब देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। अभी लोगो भी आ चुका है, और मेरा जो कि ये भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है अभी। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि उसके बाद एक फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है, इसके नीचे एक फॉर्म बना दूंगा, ठीक है। तो फॉर्म यहाँ पर एक सेक्शन आएगा, नहीं तो यहाँ पर एक फॉर्म टैग बना देता हूँ, लास्ट ये एंड है, आप बोरिंग हो जा रहे हो शायद, तो कुछ नहीं है। वेबसाइट में अगर बनाओगे तो टाइम बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्रैच में बना रहा हूँ ना, तो कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फॉर्म बनाऊँगा, तो फॉर्म FORM, ठीक है, तो फॉर्म बनाऊँगा यहाँ पर,
तो फॉर्म एक्शन एक्शन कुछ दे सकते हो, जैसे बैकेंड बैकेंड VS ND बैकेंड। आप सोचो कि ऐसे एक फाइल है बैकेंड, बट नहीं है, बैकेंड डॉट PHP कुछ फाइल है, डॉट PHP कुछ भी नहीं लिखा हूँ, PHP, बट बैकेंड में कुछ भी नहीं लिखा हूँ यहाँ भी। तो फॉर्म के अंदर मैं एक दे देता हूँ कि इनपुट टाइप दे रहा हूँ कि इनपुट IN, ठीक है, इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पर। इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा क्योंकि मैं कुछ नाम लिखना चाहता हूँ। उसके बाद इसका जो कि वैल्यू है, एक इसका जो कि इनपुट टाइप तो हो चुका है, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, एक लेबल भी दूंगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा अभी। तो मैं इसका कुछ आईडी दे रहा हूँ, मैं इसका आईडी दे रहा हूँ कि आईडी, तो आईडी को मैं क्या करूँगा कि टी दे देता हूँ, TXT, TXT दे दिया आईडी। तो नहीं तो मैं काम करूँगा कि इसका आईडी को नेम कर देता हूँ, नेम NAME, ठीक है, तो NAME, ठीक है, तो नेम कर दिया, क्योंकि मैं जब लेबल यूज करूँगा, लेबल फॉर यूज करूँगा तो वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेबल यूज करूँगा, लेबल फॉर, तो LAB लेबल, लेबल फॉर एक आता है। तो यहाँ पर मुझे आईडी देना पड़ेगा अभी, नेम NAME। आप सोच रहे हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लेबल पर सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो ये कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो भी चीज़ लिखूँगा NAME, ठीक है। तो अगर नेम लिख दिया तो क्या होगा कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो नेम इसके ये हाईलाइट होगा। अब देखना कैसे हाईलाइट हो रहा है, ये सब सब कुछ HTML है, कुछ CSS नहीं है। ये देखो, तो नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये हाईलाइट हो रहा है, ये सारा चीज़ कहाँ से आ गया। तो नेम, अच्छा कुछ नहीं लिखा हूँ शायद। तो यहाँ पर मुझे नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर कुछ दे देता हूँ कि प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर कुछ दे रहा हूँ कि यहाँ पर, ये तो नेम हो गया अभी, अच्छा ठीक है, अभी नेम आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि प्लेस होल्डर दे देता हूँ कि प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अच्छा यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं दिया था, ठीक है, जो कॉलन नहीं दिया था ऊपर, एंटर योर नेम, ENTER, एंटर योर योर नेम, नेम, ठीक है, तो एंटर योर नेम, कंट्रोल एस, ये अभी एंटर योर नेम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अभी आ चुका है अभी तक, तो अच्छा रिलोड नहीं हुआ है शायद, मतलब ठीक है अभी ठीक हो चुका है, बट इसमें कुछ मार्जिन नहीं है, कुछ पैडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो फॉन्ट साइज सब कुछ ठीक करूँगा, प्लेस होल्डर का और नेम का भी कुछ सब कुछ ठीक करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी करने से रेप्लिकेट हो जाएगा, फिर कंट्रोल डी कर रहा हूँ, मतलब तीन चीज़, ईमेल एक दूंगा, टाइप ईमेल टेक्स्ट दे दिया, उसके बाद एंटर योर ईमेल, नेम देना, उसके बाद ईमेल देना, ईमेल देना, उसके बाद एंटर योर ईमेल, कुछ नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं, ईमेल, एंटर योर ईमेल, ईमेल, ठीक है, तो ईमेल भी आ चुका है अभी। उसके बाद इसको कैपिटल ई कर देना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना कि नंबर, एंटर योर नंबर, ठीक है, यहाँ पर नंबर आ जाएगा, नंबर, नंबर करने से यहाँ पर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर नंबर लिख देना, NUM नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर भी एक हिंट है, ठीक है, आपको तो पता है कि जो जो बिगनर है उसको भी पता है कि प्लेस होल्डर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी आ चुका है अभी, कंट्रोल एस, अब सब कुछ आ चुका है, बट एक प्रॉब्लम आ चुका है इसका, सब यहाँ पर मैं कुछ लेबल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर पहले लेबल दूंगा, सारा चीज़ का लेबल दूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेबल लिख देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं लेबल दूंगा, कंट्रोल भी, यहाँ पर मैं लेबल दूंगा, कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आईडी भी देना दूंगा, और नहीं तो, तो यहाँ पर मुझे आईडी देना पड़ेगा, NAME दे रहा हूँ, ठीक है, NAME दिया, NAME दे दिया, ये NAME यहाँ पर दे दिया, NA दे दिया। यहाँ पर हर आईडी यूनिक होता है ना, NA बेसिकली ये आईडी लेता है, आईडी लेता है, ठीक है, जो फॉर्म जो कि लेबल होता है आईडी लेता है, ठीक है। ये अभी हो चुका है, अभी मैं CSS में इसको स्टाइल करूँगा अभी, ठीक है। तो कैसे स्टाइल करूँगा, डॉट एक्शन फॉर्म टैग लिखूँगा, फॉर्म टैग के अंदर मैं बोलूँगा कि जो कि फॉर्म टैग के अंदर जाना, उसके बाद जो कि इनपुट टैग के अंदर जाना, ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर जाना, जो कि फॉर्म टैग है, तो FO फॉर्म
फॉर्म टैग के अंदर जाना, फॉर्म टैग के अंदर जो कि इनपुट है, इनपुट का जो कि इनपुट टैग के अंदर जाना, उसके अंदर जो कि टेक्स्ट टेक्स्ट साइज को क्या करना कि फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज को पहले क्या करना कि टू रैम कर देना, टू रैम कर देता हूँ, आर एम कर देता हूँ। टू रैम करने से बहुत बड़ा हो जाएगा मुझे पता है, तो ये भी बड़ा हो चुका है, बट इसको एक काम करूँगा कि इससे जो डिस्प्ले को इनपुट टैग को इनपुट जो है इनपुट को पहले डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, इसे जो डिस्प्ले को पहले ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो काम करूँगा कि ठीक है, इसे जो कि इनपुट टैग के अंदर, इनपुट टैग के अंदर जाना, उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है, इसे जो डिस्प्ले को क्या करना कि पहले इसका डिस्प्ले को एक काम करूँगा कि फॉर्म को अगर मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ, फॉर्म को अगर फ्लेक्स करूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं फॉर्म को एक काम करता हूँ कि मैं फॉर्म कर देता हूँ इसको, नहीं तो एक काम करता हूँ फॉर्म को कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना, डिस्प्ले को अगर फ्लेक्स कर दूँगा तो आपको आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप, मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ हो जा रहा है, मतलब मैं जानता हूँ इसके बारे में, ठीक है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। फॉर्म टैग डिस्प्ले को अगर फ्लेक्स कर दूँगा तो क्या होगा कि ये अभी इसका जो अभी फ्लेक्स हो चुका है, अभी मैं इसका जो डिस्प्ले को अभी क्या करूँगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करूँगा कि जो कि फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं क्या करूँगा कि कॉलम कर दूँगा, तो कॉलम कर दूँगा, कॉलम कर दिया, ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँगा, आपको पता है कि क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूँगा, अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दूँगा, अलाइन आइटम को क्या करूँगा कि सेंटर कर दूँगा, ठीक है, तो अभी हो चुका है सब कुछ, अभी सेंटर में आ चुका है, ये देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बट ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऊपर आ चुका है अभी, तो अभी मैं क्या करूँगा इसका जो कि नेम है, तो नेम के ऊपर कोई नेम नेम है, तो नेम को मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है, तो ये तो सब कुछ ठीक हो चुका है, बट ये जो नेम है मैं चाहता हूँ कि ये साइड में आ जाना चाहिए, साइड में लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि नेम है काम करता हूँ कि डिस्प्ले इसको इनलाइन कर देता हूँ, जो कि नेम है, अच्छा लेबल दे देता हूँ, लेबल एक, अच्छा यहाँ पर लेबल लिखा हूँ ना, तो लेबल एक टैग है, तो मैं एक काम करता हूँ जो कि लेबल है इनलाइन कर देता हूँ, लेबल का लेबल है, इसका जो डिस्प्ले है, इसका जो कि डिस्प्ले को क्या करूँगा कि इनलाइन कर देता हूँ, इनलाइन करने से क्या होगा कि अगर इसको इनलाइन कर दूँगा तो क्या होगा देखते हैं, अच्छा ये काम करते हैं कि इसे जो डिस्प्ले को अगर मैं इनलाइन कर दूँ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, तो ठीक है इसको देखते हैं कि क्या करते हैं इसको, तो बट इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, तो इसका साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, जैसे साइज़ फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ लेबल का, लेबल जो है, अच्छा लेबल का कुछ आईडी होगा ना, लेबल का कुछ आईडी है ना, तो लेबल का आईडी कुछ नहीं, लेबल के अंदर नेम है ओनली, तो मैं हर लेबल फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो लेबल, लेबल का मतलब लेबल होता है, ठीक है, तो लेबल जो होता है, लेबल का जो फॉन्ट साइज होता है, तो फॉन्ट साइज को मैं क्या करूँगा कि 1 रैम कर देता हूँ, आर एम रैम, 1 रैम करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो नेम है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा ये नेम क्यों चेंज नहीं हो रहा है, तो ये नेम है ना, तो अच्छा ठीक है, इसके अंदर कुछ आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ आईडी दे रहा हूँ, जैसे कि आईडी दे रहा हूँ कुछ, लेबल का कुछ आईडी कुछ भी दे सकते हो आईडी, जैसे कि एलएल दे रहा हूँ, एलएल कंट्रोल एस, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो कि मैं बोलूँगा कि लेबल के अंदर जाना, जो एलएल है तो उसको पकड़ना, उसका फॉन्ट साइज को ऐसे कर देना, डॉट एलएल है ये, सॉरी आईडी है ना, तो नहीं तो मैं काम करूँगा कि इसको डॉट कर देते हैं, क्लास कर देते हैं, ठीक है, क्लास कर देते हैं, क्यों क्लास करूँगा तो सबके लिए काम करेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास कर देता हूँ, यहाँ पर क्लास कर दिया, तो क्या होगा कि ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये अभी आ चुका है, अभी अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि इसको फॉन्ट साइज कैसे कर देना, तो इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अब देखना फॉन्ट साइज बढ़ रहा है कि नहीं, ये 1 रैम है, लेबल के अंदर एलएल तो दे दिया ना, तो इसका फॉन्ट साइज तो आ जाना चाहिए, इसको मैं 2 रैम कर रहा हूँ, 2 रैम कर दिया, अच्छा इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, इसको मैं पहले रिसेट करना चाहता हूँ, मेरा जैसे था पहले, मतलब ऐसे ही था,
तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, इसको ये छोटा सा है, मतलब इसका कितना टाइम ले रहा है कुछ नहीं। मैं बोलूँगा कि जो लेबल के अंदर जो नेम है इसको ही टारगेट कर रहा हूँ। तो इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज क्या करना कि फॉन्ट साइज को 11 पिक्सल 11px कर देता हूँ और बड़ा करता हूँ। बहुत अच्छा है इसका, ये अच्छा दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, ये अभी 60 पिक्सल कर दिया, 60 पिक्सल। ठीक है, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे नेम आएगा, उसके बाद ऐसे सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, नेम NAME नेम। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको टारगेट करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा इसको मैं टारगेट कैसे करूँगा। ठीक है, तो लेबल के अंदर जाना, उसके बाद लेबल अच्छा क्लास LL के अंदर जाना, क्लास LL। ठीक है, मैं ओनली बोल रहा हूँ कि क्लास LL, जो कि क्लास LL है उसको पकड़ेगा, डॉट क्लास LL। ठीक है, डॉट क्लास LL का फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा देना, अभी बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, अभी देखो बढ़ चुका है। ठीक है, तो मैं सबका मैं क्लास को बढ़ा रहा हूँ, मतलब सबका मैं क्लास ये दे रहा हूँ, मतलब जो कि LL है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये देखना, इसको इतना कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, तो इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, हर जगह मैं पेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास लेबल है, जो भी लेबल है, यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर और एक लेबल है, यहाँ पर कंट्रोल कंट्रोल वी। ठीक है, नेम आ गया, उसके बाद आपका जो कि ईमेल एड्रेस आ गया, उसके बाद आपका जो कि एंटर योर नेम भी आ चुका है। ठीक है, एंटर योर नंबर भी आ चुका है। ठीक है, तो अभी सबका अभी चेंज हो जाएगा, अभी देखना, ये देखो नेम 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 आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे नंबर ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल 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 कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा नंबर नंबर। ठीक है, तो अभी नंबर भी आ चुका है, एंटर योर नंबर। ठीक है, तो अभी कंट्रोल एस आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही कर सकते हो, और भी कुछ डिजाइन कर सकते हो। ये नेम आ चुका है, ये देखो ईमेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ईमेल, ये देखो हाईलाइट हो रहा है, ये नंबर भी हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हो, कुछ बैकग्राउंड इमेज दे रहा हूँ, बिफोर स्टूडियो सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, जो कि फॉर्म है, नहीं तो लेबल के लेबल नहीं तो इनपुट के पीछे लगा देता हूँ, एक बिफोर स्टूडियो सिलेक्टर यूज़ किया हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बिफोर स्टूडियो सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, जो कि क्या है लेबल, काम करता हूँ कि बिफोर स्टूडियो क्या यूज करूँगा, इनपुट टैग, जो इनपुट टैग है उसके पीछे लगा देता हूँ एक इमेजेस। तो बिफोर स्टूडियो मैं बोलूँगा कि जो कि इमेज है, मतलब इसके अंदर मैं बोलूँगा कि जो कि बीजी कलर है, मतलब बीजी इमेज है, बैकग्राउंड इमेज क्या बोल रहा हूँ। तो बीजी इमेज को क्या करना है कि बैकग्राउंड इमेज को क्या करना है कि इमेज डाल देना है यहाँ पर, तो URL के थ्रू दे देता हूँ, कि URL के थ्रू। तो और एक इमेज मेरे पास है जो कि लोगो 4 है, लोगो 4 को ले लेता हूँ, नहीं तो सर्विस अच्छा किसको भी ले लेता हूँ, एक देखता हूँ कि मेरे पास क्या इमेजेस है। तो यहाँ पर मैं सर्विस लोगो 4 है, लोगो 4 नहीं तो 16 ऐसे सर्विस 4 ले लेता हूँ, अच्छा इस सर्विस 4 को ले लेता हूँ। ठीक है, सर्विस 4 मतलब IMG स्लैश सर्विस 4 4 कर देता हूँ यहाँ पर, 4 मतलब सर्विस सर्विस S4 कर देता हूँ, S4 मतलब सर्विस 4 आएगा। ठीक है, कैसे शॉर्टकट यूज किया, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कंटेंट दे देना, कंटेंट दे देना CONTENT, कंटेंट के अंदर आपको पता है कैसे बिफोर स्टूडियो सेलेक्ट यूज करते हैं, मैं सब कुछ लिख रहा हूँ क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तो ये बिफोर स्टूडियो, या हाइट वेट दे देना, हाइट तो हाइट दे देना यहाँ पर 100% दे देना, हाइट 100%, वेट दे देना, वेट कितना देना, वेट 100% दे देना। ठीक है, तो उसके साथ साथ पहले तो इसका जो जेड इंडेक्स है तो इसको 3 कर देना, जेड इंडेक्स को, तो जी इंडेक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, जी इंडेक्स को -3 कर देना, आपको क्यों कर रहा है आपको तो पता है, क्योंकि मैं सबसे पीछे लेना चाहता हूँ, एक 2 यूज किया था कहाँ पर, यहाँ पर 3 कर दिया। पोजीशन तो मुझे करना ही करना है, ठीक है, तो पोजीशन को मैं क्या करूँगा कि जो कि पोजीशन है इसको तो एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया, टॉप से 0, टॉप से
मुझे टॉप से 0 पिक्सल देना है, 0 पिक्सल दे दिया। उसके बाद लेफ्ट से 0 पिक्सल दे दिया, ठीक है, कंट्रोल एस, और ज़रूरत होगा तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आप देखते हैं कि इमेज, अच्छा ये यहाँ पर 0 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज नहीं, क्यों नहीं आया है मुझे मुझे पता है क्यों नहीं आया है अभी तक इमेज। मैं क्या करूँगा कि इमेज यहाँ पर आने के लिए मैं क्या करूँगा, जो कि इनपुट टैग है इसको रिलेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि इमेज है, जो कि इनपुट टैग है, तो इनपुट टैग को अगर मैं रिलेटिव कर दूँगा, तो रिलेटिव कर दूँगा पोजिशन को, मैं क्या करूँगा कि रिलेटिव कर दूँगा। तो रिलेटिव करने से क्या होगा कि देखना अभी, तो ये इमेज क्यों नहीं आ रहा है। मैं अब बैकग्राउंड इमेज भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बेसिकली। अच्छा -3 हुआ है, बहुत पीछे चला गया, शायद जेड इंडेक्स का कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं तो एक काम करता हूँ, ये सारे चीज़ को एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। अच्छा कुछ तो प्रॉब्लम होगा, मतलब प्रॉब्लम तो होता ही रहता है, मतलब आदत हो चुका है मेरा अभी तो। यस ये अभी कंट्रोल एस, अब जितने भी प्रोग्रामर बन जाओ कुछ भी नहीं तो प्रॉब्लम ही आएगा तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अच्छा मैं तो यहाँ पर इमेज लगाऊंगा, उसके साथ साथ मैं काम करता हूँ कि इमेज तो बाद में लगाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक लिख देता हूँ कि एक फुटर लगा देता हूँ, फुटर एफ फुटर एफ ओ ओ टी फुटर। ये देखो फुटर का मतलब क्या होता है कि एफ ओ ओ टी, अच्छा फुटर मतलब सबसे नीचे रहेगा। यहाँ पर एक कोड विद सोरा लिख देता हूँ, एट द रेट एक काम करता हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, स्वराज एक काम करता हूँ, कोड विद स्वराज एक काम करता हूँ, स्वराज डब्ल्यू स्वराज नायक NAYAKTIPU77@gmail.com gmail.com ampersand मतलब ये है ampersand। यहाँ पर काम करना कि एक होता है कि कॉपी COPY कॉपी ऐसे कर देना, कॉपी आ जाएगा, कोड विथ स्वराज COD कोड विथ WITH विथ स्वराज स्वराज, ठीक है। तो कोड विथ स्वराज विथ लिखना है यहाँ पर, स्वराज SW मेरा चैनल का नाम है, स्वराज SWARAJ, ठीक है, कोड विथ स्वराज। और ये मतलब कॉपी का होता है, डॉलर होता है, बहुत मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ क्या है ये भी नीचे आ जाएगा ऐसे, ये देखो आ चुका है। बट इसका जो कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ फुटर का, ठीक है। तो फुटर का मैं क्या करूँगा कि फुटर जो है एफ ओ ओ जो फुटर है इसका जो कि बीजी कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ ब्लैक। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि इसका जो कि कलर है कलर को मैं क्या करूँगा कि वाइट कर देता हूँ, WH वाइट कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कंट्रोल एस अब आ चुका है, ठीक है। अब अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सब कुछ हो चुका है अभी, तो ये रेस्पॉन्सिव बनाना है उसको, उसके साथ साथ मुझे ये करना पड़ेगा। अगर मैं इस होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो होम आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है ना, अबाउट नहीं आ रहा है, सर्विस नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस नहीं आ रहा है, ये सब कुछ करूँगा। उसके साथ साथ एक काम करूँगा कि ये जो आ रहा है, मतलब ये जो यहाँ पर एक इमेज डालूँगा, बेसिकली बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक काम करता हूँ कि स्टूडियो सिलेक्टर क्यों काम नहीं कर रहा है दिखता हूँ पहले। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैं बोलूँगा कि जो कि इनपुट टैग है, इनपुट टैग तो बहुत सारा है, तो एक काम करूँगा कि मैं बोलूँगा कि बिफोर स्टूडियो सिलेक्टर जो है उसको मैं क्या करूँगा कि तो इसको मैं फॉर्म के पीछे लगाना चाहता हूँ, फॉर्म जो फॉर्म है, तो फॉर्म FOR फॉर्म के पीछे लगाना चाहता हूँ बिफोर स्टूडियो सिलेक्टर, कंट्रोल एस फॉर्म के अंदर लगा पीछे लगा लिया। अच्छा ये अभी आ चुका है अभी, ठीक है। तो बेसिकली ये आ चुका है, तो ये क्या प्रॉब्लम हुआ है मुझे पता है, अभी चल चुका है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि टॉप से अब देखना क्या होगा अभी, इसको मैं खतरनाक सा एक हेड, इसको जो टॉप से दे देता हूँ,
खतरनाक एक दे देता हूँ कि तो यहाँ पर 300 दे देता हूँ या 1000 देता हूँ, 1000 पिक्सल करने से क्या होगा कि देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो मैं चाहता हूँ ना, तो ये भी आ चुका है। इसका जो कि इमेज बीजी साइज, बैकग्राउंड साइज एक होता है, तो बीजी साइज एक होता है, तो साइज को मैं 100% कर देता हूँ, 100% कंट्रोलेस। ठीक है, तो अभी ये भी अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, ये अभी आ चुका है, बट एक प्रॉब्लम आ चुका है, इसको ऊपर लेना है, तो इसको ऊपर ले लेते हैं। कैसे ले लूँगा ये देखना, इंस्पेक्ट करना है इसे। तो यहाँ पर देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी, ये जो 1000 दिया था ना, तो उसको इसको ऐसे ऐसे ऊपर ले सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा देखा इधर है। अभी देखो ये देखो बैकग्राउंड इमेज आ चुका है, उसके साथ साथ सब कुछ आ चुका है। ठीक है, अब देखो अच्छा दिखाई दे रहा है, अब देखो इसे सेट कर दिया पीछे। ठीक है, अभी ये देखो अभी अच्छा दिखाई देगा, अब देखो आ चुका है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुका है कि ये हाइट ज़्यादा ले रहा है, तो टॉप से मैं काम करूँगा कि इसका जेड इंडेक्स को मैं क्या करूँगा कि 3 कर देता हूँ। अच्छा, जेड इंडेक्स को और कम करता हूँ, 4 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। 4 करने से क्या हुआ, कंट्रोल एस दबा देता हूँ। फोर कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं इतना ज़्यादा नहीं, कहाँ गया मेरा ये, कुछ दिया था ना टॉप से, 1000 दिया था कुछ। अच्छा, इसको मैं 800 दे रहा हूँ, 700 दे दिया, 700 दे दिया, 700 पिक्स दे दिया, तो अभी ये हो चुका है, अभी 700 पिक्सल, ये देखो 700 पिक्सल हो चुका है। अभी इसको और एक काम करूँगा कि इसको 600 दे देता हूँ, 600 600 दे देता हूँ। 600 से क्या होगा कि ये 600 दे रहा हूँ, कंट्रोल एस 600 से अभी ये चले जाएगा ऊपर। अब बढ़िया, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पर लोगो भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। 600 तो आ चुका है, बट ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको जो ओवरलैप हो रहा है। तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे टोटल फ्लोटिंग करना पड़ेगा, मेरा जो कि चीज़ को टोटल फ्लोटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मेरा जो चीज़ है फ्लोटिंग कर रहा है, तो इसको मैं 100%, अच्छा ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले रहा हूँ, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, ये जो चीज़ है मैं इसको नीचे ले रहा हूँ, जो कि 600 था ना, तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ और कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना नहीं, मैं गेस करके कर दिया। ठीक है, तो आप कर देना ऐसे, तो अब अच्छा दिखाई दे रहा है, एक लाइन आ रहा है, तो इसको ठीक कर सकते हो आप। फिर इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बस, तो टॉप से और थोड़ा ऊपर, अच्छा कॉम हो रहा है कि ऐसे ऊपर लेना है। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है, इतना सही है। अच्छा ठीक है, तो ये कितना है, शायद इसको मैं थोड़ा थोड़ा कॉम कर, अच्छा ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, तो इसको थोड़ा नीचे भी ले सकते हो ऐसे, तो इसको भी मुझे नीचे लेना है। ठीक है, ये टोटल बॉटम में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो कि आप इसका जो कि एक काम करूँगा कि एक काम कर सकता हूँ इसको नीचे लेने के लिए, तो टोटल इसको फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा, मेरा जो बॉक्स है इसे पोजिशन रिलेटिव कर देता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, सबसे अच्छा है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि फुटर है, फुटर कहाँ है मेरा, अच्छा ये फुटर है ना, इसका पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, पोजीशन कुछ भी चीज़ इधर उधर करना है तो पोजीशन रिलेटिव कर दो। तो उसके बाद क्या करना है कि इसका जो कि टॉप से क्या करना कि 300 पिक्सल, 300 px कर देना, कंट्रोल एस, ये देखो 300 पिक्सल से नीचे जा जाएगा, मतलब बहुत नीचे चला गया कि नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब फिट हो चुका है अभी। 300 पिक्सल मतलब कैसे गेस करके दे दिया, मतलब आ गया नीचे। ठीक, बहुत अच्छा है, तो अभी तो ठीक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस इसको रेस्पॉन्सिव करना है। बस यहाँ पर क्या करना है कि सिंपल सा ट्रिक दिखा रहा हूँ मैं, जैसे पिछले वीडियो में किया था ना, मतलब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि
और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ होम में आ जाएगा, अबाउट में आ जाएगा, सर्विस में आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस में आ जाएगा। कैसे होगा, मैं अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि होम अबाउट लिख दिया, उसके बाद सर्विस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस लिखना पड़ेगा, ये दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो कि मार्कअप है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सर्विस है, सर्विस अभी तक नहीं लिखा हूँ, तो ये सेक्शन टू है, ये सेक्शन टू है, सेक्शन टू कहाँ पर ख़त्म हुआ है, ये सेक्शन टू यहाँ पर ख़त्म, सेक्शन थ्री अभी स्टार्ट हो रहा है ना, तो अभी मैं बोलूँगा कि जो कि सेम चीज़ लिख दूंगा, सारे मतलब सेम चीज़ जो पहला था, जो जो भी पहला चीज़ था, मतलब यहाँ पर जो था जो कि आईडी था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, जो कि सेक्शन ख़त्म हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखो। और एक चीज़ करूँगा, बस यहाँ पर सर्विस कर देना, ठीक है, होम अबाउट लिख दिया, सर्विस SERVIC सर्विस। और एक चीज़ करना थर्ड, जो कि फॉर्म है, जहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो रहा था, तो फॉर्म मतलब यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो रहा था ना, मतलब कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस कर देना, ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, CONTACT कॉन्टैक्ट अस US, ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट अस भी हो चुका है अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है, मतलब सब कुछ हो, ये देखो सब कुछ ठीक हो चुका है अभी, होम आ चुका है, अबाउट आ चुका है, सर्विस कॉन्टैक्ट अस सब कुछ आ चुका है, ठीक है। इसका ओपासिटी बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी, इसका ओपासिटी भी थोड़ा कम कर दूंगा, सपोज ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इमेजेस को थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, इमेजेस को और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, तो ये इमेजेस है ना, अच्छा इमेजेस को मैं क्या करूँगा कि और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ये देखो अब नीचे आ चुका है, ठीक है अभी नीचे आ चुका है, अभी सर्विस कॉन्टैक्टर्स, मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर कुछ दे दूंगा, ये आ चुका है, बट इसको एडजस्ट कर देना जाके, इसको मैं 300 पिक्सल किया था ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, मतलब ज़्यादा हो गया, इसे ऊपर नीचे कर दे करके आपको ठीक कर देना, आपको ये सब कुछ, अच्छा इसको पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कितना था 800 टॉप से, अच्छा इसको और थोड़ा ऊपर लेना, ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब जा रहा है कि नहीं, ठीक है इतना सही है, इतना सही है, मैं इमेजिन करके कर रहा हूँ, ठीक है आप और थोड़ा कर सकते हो, ठीक है और थोड़ा इमेजिन करना, आप जितना भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैं और थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है और इमेजिन थोड़ा कर दिया, अब देखो परफेक्ट हो जाएगा शायद, ठीक है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अभी, ये लोगो जैसे व्हाइट दिखा रहे हैं, बट मैं काम करूँगा कि इसका जो कि बीजी कलर को मैं क्या करूँगा कि इसको रिलेटिव कर दूँगा, ये दोनों इमेज को नहीं तो चेंज कर दूँगा, दो यहाँ पर दो माइक्रोसॉफ्ट लगा दूँगा, दो ये मतलब दो माइक्रोसॉफ्ट लगा दूँगा, ठीक है अच्छा दिखाई देगा। एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पर, तो बीजी कलर यहाँ पर ये जो था ना, ये क्या है पहले देखता हूँ, ये क्या है मतलब किसके अंदर है था, मतलब मुझे पता है बट फिर भी देख देता हूँ। तो ये सेक्शन X3 है, जो कि मैं बोलूँगा जो सेक्शन थ्री जो है, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर सेक्शन थ्री है, तो सेक्शन थ्री में लिखा था ना ऊपर, सेक्शन थ्री कहाँ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स था, जो बीजी कलर दे देना, तो बीजी कलर को मैं क्या कुछ लाइट दे रहा हूँ बीजी कलर, तो बैकग्राउंड कलर को मैं क्या कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि एक दे देता हूँ वायलेट दे देता हूँ, कि वायलेट नहीं होगा, मतलब ये लाइट कलर वायलेट हो जाएगा, मतलब ऐसे दिखाई देगा, देखो ये लाइट कलर सा हो जाएगा, ठीक है तो कंट्रोल एस कर देता हूँ, ये देखो अभी ये भी आ चुका है, मतलब अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है तो ये और थोड़ा लाइट कर देते हैं इसको, ये जो वायलेट है मतलब इतना वायलेट कर देते हैं, ठीक है ये मतलब इतना कर देते हैं, ठीक है कंट्रोल एस, ये वायलेट नहीं है बट ये तो ठीक है, तो ऐसे ही करना, एक लाइट सा वाइट कर देता हूँ, वाइट नहीं ब्लैक करता हूँ, देखता हूँ, और को एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ठीक है तो इसका जो कि कलर है कहाँ गया, जो कि अच्छा इसको क्या कहूँगा कि रेड कर देता हूँ, ठीक है रेड रेड कर देता हूँ, रेड का कुछ लाइट कलर होगा, तो यहाँ पर कुछ लाइट तो होगा ना, तो यहाँ पर अच्छा ठीक है इसको ये कलर कर देता हूँ, ठीक है ये टोटल वाइट,
ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस, ये ज़्यादा वाइट हो गया सर, ये तो ज़्यादा वाइट हो गया जो, तो देखते हैं इससे इससे आप कर सकते हो। देखो ये इतना सही है, देखते हैं थोड़ा सा आपको अभी अच्छा दिखाई, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी परफेक्ट दिखा रहा है, अब देखो अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे ये भी आ चुका है होम अबाउट सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कुछ आ चुका है, सर्विस आ चुका है यहाँ पर। तो सर्विस का कुछ, सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, तो मैं चाहता हूँ कि सर्विस का कुछ आईडी चेंज करके, तो सर्विस को मैं पैडिंग दे दूंगा यहाँ पर, सर्विस को मैं बोलूँगा कि जो कि ए टैग है, जो सर्विस कहाँ है, मैं बेसिकली जो कि लिखा हूँ ना, जो सर्विस लिखा हूँ, मतलब मैं सर्विस ढूंढ रहा हूँ, ए ए दे रहा हूँ यहाँ पर, ए स्मॉल है, कैपिटल है, नहीं तो कैपिटल है, कैपिटल है, ए ए मतलब उसको समझेगा, तो ठीक है। तो अभी मैं कैपिटल ए कर रहा हूँ, ये क्लास है, डॉट कैपिटल ए, कैपिटल ए। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसका जो कि टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन क्या करूँगा कि मार्जिन मार्जिन टॉप दे रहा हूँ, मार्जिन टॉप 3 पिक्सल दे रहा हूँ, तो 3 पिक्सल दे रहा हूँ, पिक्स दे दूँ, उसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखना कि इसको रिलोड कर रहा हूँ, तो अभी मार्जिन ही आ जाएगा, इंस्पेक्ट करके इसको ठीक करूँगा। तो ये सर्विस ए ए मतलब सर्विस ए आ रहा है, अभी तो मैं सेव नहीं किया हूँ कि, अच्छा मैं सेव नहीं किया हूँ इसको, कंट्रोल एस, अब देखना कि अब आ जाएगा, अभी मार्जिन अभी अच्छा अच्छा गायब हो चुका है शायद, तो इसको मैं हटा रहा हूँ बेसिकली। अब देखो सर्विस, अच्छा सर्विस चला गया है, अच्छा ठीक है। तो मैं मुझे ये करना पड़ेगा कि वो जो ए के अंदर जो भी चीज़ था उसको भी लाना पड़ेगा, ए के अंदर जो, ए के अंदर जो भी चीज़ था, ठीक है, ए कहाँ पर है, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ टेस्ट लाइन लिखा था ना, इसको भी सब कुछ लेना पड़ेगा, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, तो मार्जिन 10 पिक्सल दिया था यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल सी, मार्जिन 10 पिक्सल दिया था, ठीक है। तो कंट्रोल भी कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल भी दे दिया, कंट्रोल एस कर दिया, अभी देखना अभी ठीक हो जाएगा। अब देखो ठीक हो चुका है सर्विस, अभी तक तो सेंटर में क्यों नहीं आया है, सर्विस टेक्सटाइल लाइन सेंटर तो कर दिया ना, तो मैं बोला कि टेक्सटाइल लाइन सेंटर सेंटर कर देना, मार्जिन मार्जिन को क्या करना कि टॉप टेक्सटाइल लाइन सेंटर कर देना, ठीक है। तो मार्जिन कंट्रोल एस, अब देखना कि ये काम करेगा कि नहीं, अच्छा इसको रिलोड करना पड़ेगा मुझे, कभी कभी काम नहीं करता है, क्यों नहीं काम करता है, ये आईडी है कि ये क्लास है, अच्छा ये आईडी है, मतलब हर टाइम ये गलती करता हूँ मैं, तो ये आईडी है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आईडी है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आईडी की चेंज करूँगा, ये यहाँ पर आईडी है तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यहाँ पर, तो यहाँ पर आईडी है, ठीक है, तो यहाँ पर आईडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्टर लाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, अब देखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो आ चुका है, टॉप से आ चुका है, मतलब मैं एक काम करूँगा कि इसको मैं और बढ़ाऊँगा, 30 पिक्सल कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, 3 पिक्सल से टॉप दे दिया, अब देखो अच्छा दिखाई दे रहा है, टॉप से सर्विस आ चुका है, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल दे रहा हूँ, अभी ऐसे बढ़ाते जाना, 60 पिक्सल दे रहा हूँ, कंट्रोल एस, अब देखो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सर्विस आ चुका है, सर्विस आ चुका है, 50 पिक्सल दे रहा हूँ यहाँ पर, 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, ठीक है। तो सर्विस आ चुका है, सर्विस यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ पर कुछ मार्जिन आ चुका है, टॉप से बॉटम से भी, एक काम करता हूँ कि हर तरफ से दे देता हूँ, कि टॉप से नहीं हर तरफ से कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अभी, अब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी हो चुका है अभी, एक काम करता हूँ, इमेजेस जो है, इमेजेस का जो कि हाइट 300 पिक्सल कर रहा हूँ, 100% ना, 100, ऐसे काम करता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ,
जो इमेज था मैं इसको बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, ऐसे बहुत टाइम लगेगा ऐसे करने से, तो 150 कर रहा हूँ बेसिकली, जो कि मुझे पता है कि CSS के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो विड था वेपर शेडर यूज किया था ना, तो 150 कर रहा हूँ, 150 कर रहा हूँ, 150 कंट्रोल एस, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। 100% ले लेगा, 150 ले लिया, नहीं तो BH कर देता हूँ, 100 BH कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा कि 100 BH करने से क्या हुआ देखते हैं, 100 BH कर देता हूँ, BH कर देता हूँ, व्यू पॉइंट हाइट ले लेगा, हाँ सॉरी व्यू पॉइंट विड्थ ले लेगा, इसको 100% करना पड़ेगा, हाइट को मैं चेंज करूँगा अभी, 100 BH कर देता हूँ, तो BH कर देता हूँ, कंट्रोल 100 BH करने से क्या होगा कि टोटल व्यू पॉइंट हाइट ले लेगा, व्यू पॉइंट हाइट ले लेगा मतलब, ठीक है। तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, अच्छा ठीक है, इसको परसेंट कर देता हूँ 50%, कंट्रोल एस, ये देखो आ चुका है। तो यहाँ पर बिजी रिपीटेशन आ रहा हूँ, रिपीटेशन को रन कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड रिपीटेशन को रन कर रहा हूँ, यहाँ पर रिपीटेशन आ चुका है अभी, मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए बैकग्राउंड रिपीटेशन। तो हाइट तो अभी बढ़ चुका है, हाइट को मैं बढ़ा चुका हूँ यहाँ पर 250, एक रिपीट, तो यहाँ पर रिपीट बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, एक काम बैकग्राउंड लिख दूंगा URL के मदद से, उसके बाद रिपीट कर दूंगा, रिपीट एक होता है कि रिपीट, आर रिपीट नॉन, रिपीट नो रिपीट, नो रिपीट कर सकता हूँ, नो रिपीट ठीक है, नो रिपीट स्लैश कवर, कवर तो कवर COVER कवर स्लैश सेंटर, सी सेंटर कवर स्लैश सेंटर, सेंटर स्लैश कवर कर सकते हो, नहीं तो ठीक है, तो सेंटर स्लैश कवर कर देना, सेंटर तो सेंटर कर देना स्लैश कवर COVER कवर कंट्रोल एस, तो इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी ठीक हो चुका है, ठीक है। तो ये इसको अभी नीचे ले लेते हैं, ये अभी ये सब कुछ ठीक हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी इसको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो आ रहा है ब्लैक कलर का, इसको नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का आ रहा है इसको नीचे लेना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ इसको नीचे ले लेता हूँ, पहले जो ब्लैक कलर था उसको एक काम करता हूँ कि मतलब इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, इसको एक काम करता हूँ इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्लेक्स तो नहीं कर पाऊँगा अभी, तो इसका रिलेटिव कर देता हूँ, रिलेटिव तो है पहले से, अच्छा इसको नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, रिलेटिव तो है ना, इसलिए तो मैं रिलेटिव किया था इसको, 300 पिक्सल किया था ना उसको रिलेटिव करके, एलिमेंट सिलेक्टर कर दिया, उसके बाद ये जो चीज़ है टॉप से 300 पिक्सल दिया था, उसके बाद और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, चल अब देखते हैं, और नीचे आ रहा है, आ रहा है, 300 दे दिया, एक गेस करके दे रहा हूँ, तो 300 पिक्सल रिलेटिव कहाँ पर किया था, फुटर को 300 किया था ना, तो 500 पिक्सल कंट्रोल लेस, ऐसे गेस करके ले लेना, ठीक है। अभी गेस अभी हो चुका है, अभी 300 पिक्सल अभी ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अभी, तो यहाँ पर वाइट आ रहा है, और थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करूँगा कि इसका जो कि ये है मतलब 50 पिक्सल किया हो ना, इसको 60 कर देता हूँ, 160 कर देता हूँ, 60 करने से क्या होगा कि इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 60 कर देता हूँ, 60 करने से हाइट को 160 करने से और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और रेस्पॉन्सिव भी करना है, ठीक है, इसको 160 भी काम नहीं हो रहा है, 170 करना पड़ेगा, ठीक है, 180 कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बार बार नहीं आना पड़ेगा, तो अभी 180 में बहुत काम कर अच्छा है, जब ये अभी हो रहा है बढ़ रहा है तो ये ऊपर क्यों आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ये टोटल व्यू पॉइंट हाइट क्यों नहीं ले रहा है, इसका पोजीशन को मैं अच्छा कि इसका पोजीशन को मैं तो नहीं ले ले सकता हूँ ना, इसको 100 अच्छा ये तो अच्छा अच्छा ये बढ़ रहा है, मतलब इसका जो कि
अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली इसको मैं क्या करूँगा कि 150 कर देते हैं इसको, 100 100 कर देते हैं, 100%। ठीक है, कंट्रोलेस, मैं इसको सब कुछ ठीक करूँगा, 100% है, बहुत अच्छा है, इसको मैं 100% कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है पता है? तो ये 100% आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये टोटल इमेज, मतलब ये टोटल कवर हो जाना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से नीचे आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, इसको कितना नीचे ले सकता हूँ, नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको नीचे ले लूँगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, तो मैं इसको टॉप से ले लेता हूँ। तो टॉप से मैं क्या करूँगा कि बिफोर शेडो 700 पिक्सल कर रहा हूँ, यहाँ पर 900 पिक्सल कर दिया, कंट्रोल एस, इतना 900 कंट्रोल एस, तो 900 पिक्सल अभी आ जाएगा। ये देखो 900 पिक्सल आ चुका है अभी, तो ये देखो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, ये देखो 900 पिक्सल आ चुका है। ठीक है, तो 900 पिक्सल अब देखो अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो अभी सेंटर में आ चुका है, ऊपर जितना है नीचे भी उतना है, अब तो अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। होम अबाउट सर्विस कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ आ चुका है। ठीक है, तो अब तो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो 700 तो है, बट एक काम करूँगा कि इसको 1000 कर देता हूँ, 1000। तो कंट्रोलेस 1000 करने से क्या होगा कि ये देखना कि 1000 अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये टोटल नीचे आ जाएगा। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर, तो इसका जो बीजी कलर, तो इसका जो बीजी कलर अच्छा, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट इसका जो कि हाइट को, इमेज का हाइट को मैं बढ़ा सकता हूँ। इमेज का हाइट को अगर बढ़ा दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत अच्छा है, बट पूरा मतलब कवर लेना चाहता हूँ, इमेज 100% लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। तो इमेज 100% तो आएगा, अच्छा इसको ऊपर ले लेता हूँ। अच्छा, मतलब आप सोच रहे हो कि ऊपर नीचे ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इसको मैं 900 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो हर तरफ से सेम आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी डिजाइन के ऊपर इतना नहीं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर जितना है नीचे उतना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो ऐसे। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो होम आ जाएगा, अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अबाउट हो जाएगा, सर्विस के ऊपर क्लिक करूँगा तो कैसे कर सकता हूँ? होम का कुछ आईडी होगा ना, तो होम का जो आईडी क्या ढूंढ रहा हूँ, जो कि होम का जो आईडी है, जो कि होम का आईडी मैं ढूंढ रहा हूँ कि होम का आईडी क्या है, तो होम का आईडी मैं ढूंढ रहा हूँ। होम यहाँ पर तो होम नहीं है, तो होम कहाँ पर है? तो ये नेविगेशन का बार के अंदर, मतलब बाद है, मतलब ये तो अबाउट है, अबाउट। ठीक है, ये तो अबाउट है, होम कहाँ पर है? अच्छा, ये होम है, होम का कुछ आईडी नहीं है, आईडी दे देते हैं, आईडी होम, HOME होम, आईडी होम दे दिया, HOME दे देते, HOME दे दिया। ठीक है, HOME दे दिया। उसके बाद अबाउट को अबाउट दे देते हैं, ABOUT, अबाउट। सर्विस को मैं क्या, इसका जो आईडी है, इसका जो आईडी को मैं क्या करूँगा कि सर्विस तो हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्टर्स, जो कि अच्छा सर्विस दो बार हो चुका है कि सर्विस, अच्छा ये तो अबाउट है, अबाउट हो चुका है, होम अबाउट। उसके बाद सर्विस, इसका जो आईडी है AA है सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स को मैं क्या करूँगा कि आईडी को कॉन्टैक्टर्स कर सकता हूँ, नहीं तो ए भी ठीक है। तो एक काम करूँगा कि ये सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बेसिकली होम HOME कर रहा हूँ, HOME कर दिया यहाँ पर, HOME कर दिया। तो यहाँ पर ठीक है, तो HOME करने से क्या होगा कि अगर मैं होम के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखो होम आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अबाउट में क्या करूँगा कि अबाउट लिखना पड़ेगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अबाउट कर दूँगा। ठीक है, जो कि HREF के अंदर अबाउट ABOUT। ठीक है, तो अबाउट अभी आ चुका है। अब देखना है, मैं अबाउट को ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि अबाउट आ जाएगा। ठीक है, अबाउट ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट आ चुका है, होम अबाउट। अबाउट का कुछ अच्छा, मैं कुछ अबाउट का कुछ था ना पहले,
अच्छा देखता हूँ क्या था, अच्छा देखता हूँ कि क्या था, मुझे भी नहीं पता है, अबाउट का कुछ लिखा था ना, मतलब कुछ क्लास तक की आईडी था। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, जो अबाउट है कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अच्छा ठीक है, जो भी चेंजेस किया था तो अबाउट तो है यहाँ पर, तो कंट्रोल। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अबाउट फिर से डालना पड़ेगा, तो एटा मतलब क्या किया था मैं, गलती कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो कि एच वन टैग था, ये सेक्शन है ना, तो सेक्शन का ये सर्विस था, कॉन्टैक्टर्स एक आएगा। ठीक है, तो सर्विस तो था ना, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कट कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ, तो कॉन्टैक्ट अस सी ओ एन कॉन्टैक्ट सी ओ एन टैक टी एस सी डी कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस यूज कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोल एस, तो अभी ठीक हो जाएगा। अब देखना, अब देखो कॉन्टैक्ट अस हो चुका है अभी। ठीक है, तो अभी कॉन्टैक्ट अस भी हो चुका है, अभी होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्टर्स सब कुछ आ चुका है, अभी आ चुका है। बट ये जो इमेज है इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि टॉप से कुछ दे दिया था ना, तो जो कि इमेज है जो बिफोर शेड्यूल स्लेटर यूज किया था ना, तो उसको मैं क्या करूँगा कि टॉप से दिया था, इसको 800 पिक्सल कर रहा हूँ, 700 पिक्सल कंट्रोल एस, देखते हैं कि अच्छा 700 पिक्सल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं इतना। तो उसके बाद ऐसे नीचे आ जाएगा ऐसे, तो 600 700 पिक्सल से कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं कि इसको काम करते हैं 600 पिक्सल से कैसे दिखाई दे रहा है, कंट्रोल एस 800 पिक्सल से अब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर ऊपर भी कॉन्टैक्टर्स आ रहा है और नीचे भी ऐसे आ रहा है, ठीक है बहुत अच्छा है। ठीक है, नीचे ऐसे आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अभी होम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो काम कर रहा है, अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो होम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं काट चुका था ना सब कुछ, हो अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट। अच्छा ठीक है, होम के ऊपर कैसे काम करेगा ये देखना कि एच ओ एम लिख कर देता हूँ यहाँ पर, एच ओ एम यहाँ पर मुझे एच ओ एम करना पड़ेगा, एच ओ एम जो कि यहाँ पर लिखा था ना, तो यहाँ पर एच ओ एम होम होम कर देता हूँ कंट्रोल एस, तो यहाँ पर मुझे काम करेगा। अभी देखो होम काम करेगा, अच्छा होम काम किया क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा सेव नहीं किया हूँ शायद। ठीक है, तो होम, अच्छा होम हटा चुका हूँ ना यहाँ पर, यहाँ पर मुझे आईडी देना पड़ेगा, आईडी होम एच ओ एम देना पड़ेगा कंट्रोल एस, तो अब तो काम करके रहेगा। ठीक है, अगर काम नहीं करेगा काम कर रहा है। ठीक है, होम अबाउट अबाउट का क्या करूँगा कि अबाउट अबाउट का कुछ आईडी होगा ना, तो ए होगा इसका आईडी है, तो इसका आईडी और इसका आईडी सेम हो चुका है, मुझे आईडी का, अच्छा ठीक है कुछ भी चलेगा, आईडी और सेम हो जाएगा, ठीक है कुछ नहीं। होम अबाउट अबाउट को तो ए कर दूंगा, अबाउट जो है इसको ए कर देता हूँ, अबाउट को ए कर देता हूँ यहाँ पर, ए करने से क्या होगा कि कंट्रोल एस अबाउट आ जाएगा, दो ए है मतलब अबाउट भी आ चुका है। ठीक है, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्टर्स, सर्विस कॉन्टैक्टर्स को मैं क्या करूँगा कि एक ए के अंदर जो भी चीज़ है मैं काम करूँगा, कि एक प्रॉब्लम आ जा रहा है क्योंकि ए के अंदर जो भी चीज़ है, ए के अंदर जो भी चीज़ है मतलब ए दोनों कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर देखो होम अबाउट हो गया, सर्विस कॉन्टैक्टर्स ये दोनों को मुझे ठीक करना पड़ेगा। सर्विस सर्विस कहाँ है, होम ये सर्विस है, ये सर्विस है ना, तो ये सर्विस, अच्छा ये सर्विस है ना, तो सर्विस को मुझे, अच्छा सर्विस का कुछ तो नाम होगा ना, कि तो अबाउट है, अबाउट है, मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि, अच्छा ये सर्विस है, सर्विस को मैं आईडी चेंज कर रहा हूँ, इसका जो आईडी है एस ई आर कर रहा हूँ, एस ई कर रहा हूँ, एस ई कर दिया कंट्रोल एस, तो एस ई कर दिया, तो यहाँ पर मुझे एस ई करना पड़ेगा, सर्विस एसी कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके एसी करना पड़ेगा। ठीक है, एस डॉट, अच्छा ये आईडी है ना,
तो एस ई कर देता हूँ, एस ई को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस नहीं कंट्रोल एस, ठीक है, तो ये भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, कंट्रोल एस। और आप समझ में नहीं आ रहा तो देख, कुछ भी नहीं है, बस आईडी सेम कर दिया था, सेम हो चुका था, ठीक है। तो अभी सर्विस के ऊपर क्लिक करूँगा तो सर्विस आ जाएगा, ये तो सर्विस आ चुका है, होम अबाउट के ऊपर अबाउट आ चुका है, और होम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो होम भी आ चुका है, और कॉन्टैक्टर्स नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्टर्स कुछ भी नहीं किया हूँ, तो कॉन्टैक्टर्स कर देता हूँ। तो कॉन्टैक्टर्स कैसे करूँगा, तो इसको कॉन्टैक्टर्स करने के लिए तो यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा कि कॉन्टैक्टर्स कहाँ पर है, तो ये कॉन्टैक्टर्स है ना, तो यहाँ पर सी ओ एन कर देता हूँ, सी ओ एन कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सी ओ एन कर दिया। उसके बाद मैं बोलूँगा कि यहाँ पर क्या करूँगा कि सी ओ एन कर दूँगा, आई डी सी ओ एन, सी ओ एन कर दिया, सी ओ एन कैपिटल सी की मतलब क्या है, कैपिटल सी है कि, तो देखता हूँ सी क्या, सी ओ क्या लिखा था मैं, सी ओ एन स्मॉल सी, ठीक है, तो सी ओ एन के अंदर मैं क्या कंट्रोल भी कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। तो अब अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे सी ओ एन करना पड़ेगा, ठीक है, सी ओ एन करना पड़ेगा, सी ओ एन, कंट्रोल एस, अब हो चुका है, ठीक है। अब देखो अच्छा दिखाई दे रहा है, होम आ चुका है, अबाउट आ चुका है, अबाउट आ चुका है, सर्विस आ चुका है, कॉन्टैक्टर्स आ चुका है, ये कॉन्टैक्टर्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्टर्स आ चुका है, ये देखो आ रहा है, नंबर डाल सकते हो इसे, सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो ओपासिटी है मैं इसको कम कर सकता हूँ, ठीक है, ओपासिटी को मैं, इसका जो ओपासिटी है मतलब जो कि स्टूडियो सेलेक्टर यूज़ किया हूँ, उसका जो ओपासिटी को मैं क्या कर सकता हूँ कि जो कि ओपासिटी है, और ओपासिटी, ओपासिटी को मैं क्या करूँगा कि 0.3 कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, कंट्रोल एस, 0.5 करने से ये देखो, ये देखो अच्छा ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अब तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, बहुत अच्छा दिखाई देगा, जो कि ये कौन सा टैग है, जो एस ई थ्री है, एस ई सी थ्री है, एस ई सी थ्री जो है, तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, एस ई सी थ्री कहाँ है, एस ई सी थ्री है, इसका जो कि डिस्प्ले फ्लेक्स है, और मैं काम करूँगा कि इसका मार्जिन, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप दे देता हूँ कि टॉप है, तो इसको 30 पिक्सल, मैं 3 पिक्सल दे रहा हूँ, 3 PX कर रहा हूँ, और पी एक्स कर रहा हूँ, पी एक्स, कंट्रोल एस, कंट्रोल, ये देखना अभी थोड़ा नीचे आ जाएगा, मैं इसको सेव कर चुका हूँ, अच्छा ठीक है, सेव कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ये कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसको टारगेट कर रहा हूँ, ये देखना कैसे टारगेट करूँगा अभी इस सारा चीज़ को, मैं बोलूँगा कि इसको 3 पिक्सल नहीं और थोड़ा, ये देखो अच्छा, इसको और नीचे लूँगा तो ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये अच्छा ठीक है, मैं टॉप मार्जिन 3 पिक्सल बहुत अच्छा है, ठीक है, 3 पिक्सल चले जाएगा, ठीक है, अब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे हम बना सकते हैं, मैं डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करूँगा कि ये सर्विस कॉन्टैक्टर्स भी काम कर रहा है, सर्विस भी काम कर रहा है, सर्विस भी काम कर रहा है, अबाउट भी काम कर रहा है, और होम भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी हो रहा है ना, तो यहाँ पर स्क्रॉलिंग एस्टेट, यहाँ पर एक स्क्रॉल बिहेवियर को मैं स्मूथ कर रहा हूँ, इतना मतलब क्लिक करने से जल्दी से ऐसे हो रहा है ना। मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा कि जो कि HTML है पूरा, मतलब टोटल कैंसिल, मतलब ये टोटल लिखूँगा सब, यहाँ पर मैं बोलूँगा जो कि HTML है, यहाँ पर जो कि HTML है, HTML, तो HTML में क्या करना है कि जो स्क्रॉल बिहेवियर है, जो कि स्क्रॉल ऐसे स्क्रॉल बिहेवियर एक होता है, स्क्रॉलिंग ऐसे स्क्रॉलिंग बिहेवियर को क्या करूँगा कि स्मूथ कर दूँगा। स्मूथ करने से क्या होगा कि अब देखना कि बहुत सारा चीज़ होता है, तो मैं सब कुछ तो बोल नहीं पाऊँगा, तो ये स्क्रॉलिंग बिहेवियर जो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो स्मूथली जाएगा, ये तो स्मूथली जा रहा है, कॉन्टैक्ट स्मूथली जा रहा है, पहले कैसे जा रहा था आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, ठीक है, ये देखो कैसे स्मूथली जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत सारा चीज़ होता है, बस ये मैं डिजाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, डिजाइन भी थोड़ा थोड़ा कर दिया, उसके बाद ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। या रेस्पॉन्सिव कैसे करना है इसको मैं बोल देता हूँ कल, मतलब इसको बोल देता हूँ कैसे करना है रेस्पॉन्सिव, इसका डिस्प्ले को एक मीडिया क्वेरी लिख देना, और इस सारे चीज़ को क्या करूँगा कि मैं कॉपी कर दूँगा, इस सारा चीज़ को कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर दिया, एक मीडिया क्वेरी फायर करूँगा, अगर स्क्रीन छोटा होगा तो मैं बोलूँगा कि
ये देखना, और एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, एक CSS फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो मीडिया क्वेरी फायर करने के लिए, रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस मैं बोल देता हूँ आप कुछ सब कुछ करना। तो यहाँ पर मैं एक फाइल ओपन फूड FOOD लिखता हूँ, फूड डॉट CSS, ठीक है, फूड डॉट CSS कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, सब सारे चीज़ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो ये तब मतलब फायर होगा। फूड, ये फूड वेब है, ये फूड है, ओनली फूड है, ये कब फायर होगा, मैं इसको लिंक कर यहाँ पर कराऊंगा। मैं बोलूँगा कि ये कब फायर होगा, जब देखो यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, जब मेरा जो स्क्रीन विड्थ है, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि HREF फूड एफ, ये देखो food.css, इसको मैं लिंक किया हूँ, मतलब ये कब फायर होगा, ये कब फायर होगा, जब स्क्रीन, जब मीडिया, एक होता है कि मीडिया होता है, तो स्क्रीन SSCREEN स्क्रीन, सॉरी SSCREEN स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, तो मैक्स विड्थ कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए, देखो मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ WIDTH, तो मैक्स विड्थ कितना होगा, तो मैक्स विड्थ को क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि मेरा जो मैक्स विड्थ है, सॉरी यहाँ पर देना पड़ेगा कि मुझे मैक्स विड्थ यहाँ पर देना पड़ेगा 400 पिक्सल। अगर मैं 400 पिक्सल हो जाएगा मेरा स्क्रीन, तो ये फायर होगा कंट्रोल एस। तो एक काम कर रहा हूँ कि इस सारे को चीज़ को, ये फायर होता है कि नहीं देखता हूँ, जब 400 पिक्सल हो जाएगा, इस सारे चीज़ को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल एक काम करूँगा, इसको सब कुछ कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, सब कुछ कमेंट आउट कर चुका हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये देखो सारे चीज़ सब कमेंट आउट हो चुका है। अच्छा, ये कंट्रोल ए कर दिया, मतलब कमेंट आउट ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मैं क्या कर चुका हूँ, ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये ऊपर वाला कुछ लिखा हूँ शायद, अच्छा इसको भी कमेंट आउट हो चुका है ये सारे चीज़, तो इसको मैं, अच्छा इसको मैं कमेंट आउट कर चुका हूँ, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, ये तो डिस्प्ले फ्लेक्स कमेंट आउट होगा, बट अच्छा यहाँ पर मैं दे चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब अच्छा है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सारा चीज़ है, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा मुझे, ये देखो ये जो सारा चीज़ है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, बस देखता हूँ कि मीडिया कोई फायर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर बीजी कलर क्या करना है, कि मैं बोलूँगा कि जो बीजी कलर को, तो बीजी कलर एक होता है बीजी, तो बीजी कलर सी कलर, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो कि बॉडी है, बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जाना, तो बॉडी के अंदर जो कि बीजी कलर है, तो बीजी कलर को क्या करूँगा कि रेड कर देना, रेड कर देना, ये देखो मीडिया क्वेरी फायर होगा, जब 400 पिक्सल होगा स्क्रीन, तो फायर हो जाएगा, ये देखो अभी काम कर रहा है, ये देखो अभी वेबसाइट चल रहा है ना, तो जब मैं इसको छोटा करूँगा, और छोटा छोटा करूँगा, तो और तो छोटा नहीं, 400 पिक्सल नहीं हो रहा है, इसको 800 पिक्सल कर रहा हूँ बेसिकली, इसको मैं 800 पिक्सल कर रहा हूँ, नहीं तो 900 पिक्सल कर रहा हूँ, जब 900 पिक्सल होगा तो ये फायर हो जाएगा। तो ये फायर क्यों नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती किया हूँ यहाँ पर, अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा ये इसके अंदर कुछ चीज़ है, मतलब कमेंट आउट नहीं हुआ है, अच्छा, सारे चीज़ को मैं हटा देता हूँ, अच्छा एक काम को तो हटा देता हूँ इस सारे चीज़ को, दिमाग खा रहा है बहुत, इसको सब कुछ हटा देता हूँ, बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा जो फूड है, जो कि बॉडी है, बॉडी के अंदर जाऊँगा, उसके बाद जो बीजी कलर को क्या होगा कि बीजी कलर, तो बीजी कलर को रेड कर देता हूँ कंट्रोल एस, ये देखो रेड हो चुका है अभी, तो अभी मीडिया क्वेरी फायर हो जाएगा, पक्का फायर हो जाएगा अभी, मैं इसको मैं ये कर रहा हूँ सर, ये इसको मैं यहाँ पर लेके करना पड़ेगा, ये देखो इससे प्रॉब्लम आएगा, तो इसको मैं HTML से लाइव जाऊँगा, ठीक है, मैं CSS में चला गया था, ठीक है। अब देखना जब स्क्रीन छोटा होगा, मतलब यहाँ पर ये देखना अभी क्या होगा, जब स्क्रीन छोटा होगा तो मीडिया क्वेरी फायर होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, बट क्यों नहीं हो रहा है, एक काम करूँगा कि क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैक्स विड्थ दिया हूँ ना, मैक्स विड्थ,
यहाँ पर मुझे स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स विड्थ 900 क्या है, पिक्स है या 900 पिक्सल है, मैक्स विड्थ। तो यहाँ पर मुझे मीन विड्थ मैक्स विड्थ, ठीक। अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। अब इसे छोटा करते हैं, ठीक, काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर तो अच्छा कुछ गलती किया हूँ, यहाँ पर मैक्स विड्थ कंट्रोलेस, तो मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। अच्छा यहाँ पर तो लिखा हूँ ना कंट्रोलेस मैक्स विड्थ, अगर इतना हो जाएगा तो फायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो फायर हो चुका है अभी, ठीक है। तो बॉडी का कलर रेड हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, ठीक है। कितना बहुत मेहनत अभी लग रहा है तो लाइक करना, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये तो हो चुका है सब कुछ, तो ऐसे ही मीडिया क्वेरी में दिखा दिया। मतलब आप रेस्पॉन्सिव बना सकते हो, ऐप फोन जैसा एक बना सकते हो, जैसे कि और क्या होगा कि इसका डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि इसका जो कि फ्लेक्स डायरेक्शन कलम हो जाएगा, इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन मैं कलम कर दूँगा, रेस्पॉन्सिव बन जाएगा ना थोड़ा, मतलब ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो भी लिखा था कुछ भी प्रॉब्लम, एक फ़ोन का एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं YTN नाम का एक बनाया था, CSS YT2 था, जो YT2 था। मतलब यहाँ पर मैं ये जो बनाया था ना, तो इसको मैं सारा कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर, जो कि YT2 था। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रेस्पॉन्सिव मतलब फ़ोन के लिए एक बनाया था, कैसे फ़ोन के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे, तो ऐसे आप वेबसाइट बना देना, डिज़ाइन कर देना फ़ोन के लिए, मतलब ऐसे छोटा कर देना फ़ोन को, ऐसे छोटा करके आपको बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि एक जगह मतलब एरिया में आ जाएगा, मतलब ये नीचे नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आप इसके जो डिस्प्ले को क्या करना है कि इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करना कि कलम कर देना, सॉरी रो कर देना, रो तो पहले तो कलम कर देना, ठीक है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कलम कर देना है, वो नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी काम, अभी फूड के अंदर डाल देता हूँ सारे चीज़ को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एस, ठीक है। अभी फायर हो जाएगा, अभी जो छोटा होगा तो मैं थोड़ा चिटिंग किया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, मतलब मैं मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको मैं फिर से लाइव आ जाता हूँ, दिखना कि कैसे रेस्पॉन्स हो जाएगा, बहुत रेस्पॉन्सिव हो जाएगा ये। और मैं छोटा करूँगा तो ये जो छोटा छोटा हो रहा है, ठीक है। तो छोटा करने से क्या होगा कि ये तो सारा चीज़ हो चुका है, मतलब उसी प्रोग्राम के हिसाब से। इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम मतलब किससे कॉपी मत करना, बस समझना चाहिए। मतलब मैं ज़्यादा मेहनत नहीं किया, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।